कैसे हो सबके सब? मस्त हो, स्वस्थ हो? और आज अपनी पूरी एनर्जी लगाने के लिए मेरे साथ तैयार हो फॉर द नेक्स्ट 2 आवर्स, 6:30 to 8:30, फिर 1 घंटे का ब्रेक, फिर 9:30 to 11:30, विच कैन फर्दर बी एक्सटेंडेड बाय 30 मिनट्स। हाँ जी, तनिषा ने पहले ही लिख दिया, ये पहले ही एक्सटेंशन की बातें कर रहे हैं, मतलब ये आज 12 बजे से पहले नहीं छोड़ने वाले। सॉरी सर, कल हेल्थ ठीक नहीं थी इसलिए लाइव नहीं आ पाया। कोई बात नहीं प्रांशु, बाद में उस सेशन को आप देख सकते हो जरूर से। एवरीवन गुड इवनिंग। हाँ जी गाइस, देख लिया, क्या बात है, सुपर प्रांशु, मैं बिल्कुल अच्छा हूँ। एक्सपेक्टिंग कि आप लोग भी बिल्कुल मस्त हो और स्वस्थ हो, मस्त हो और स्वस्थ हो। दोस्तों सर, ये सेशन डेली है सौम्या बेटा, डेली इन द सेंस आपको 3 दिन के अंदर जीएसटी खत्म कराना है। अब 3 दिन के अंदर जब जीएसटी खत्म हो जाएगा तो फिर डेली कैसे लूंगा बेटा? कल हो गया, आज हो रहा है और कल खत्म हो जाएगा। सर ट्रैकर में लिंक डाल दीजिए। ओके प्रद्युम, वहां पर ट्रैकर में लिंक डाल दूंगा। मैं समझ गया आप क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। ऑल राइट, नॉट अ प्रॉब्लम। आज का सेशन स्टार्ट करें गाइस, आज का सेशन स्टार्ट करें। और आज हमें करना है दोस्तों फ्रॉम कॉम्पोजिशन स्कीम। कहाँ से करना है दोस्तों? कॉम्पोजिशन स्कीम से करना है। कॉम्पोजिशन लेवी दोस्तों बहुत ही ज्यादा एक इंपॉर्टेंट इंटीग्रल पार्ट ऑफ दिस चैप्टर है गाइस। सेक्शन 10, सेक्शन 10 कॉम्पोजिशन लेवी। आ जाओ भाई, विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट अस स्टार्ट विद दिस। कहते हैं कॉम्पोजिशन लेवी क्या है दोस्तों? सबसे पहले इट इज एन ऑप्शनल स्कीम। ऐसा नहीं है कि आपको जबरदस्ती करना ही पड़ेगा, ये ऑप्शनल स्कीम दी गई हर एक वो इंसान जो दोस्तों कहीं ना कहीं दोस्तों जीएसटी की रेगुलेशन में फर्स्ट टाइम आ रहा है तो उसे बड़ा धक्का लगता है। कह रहे हैं क्यों, पीछे से कोई धक्का मारता है? हाँ, पीछे से कोई धक्का मारता है इसलिए धक्का लगता है। नहीं दोस्तों, धक्का इस चीज का लगता है कि अभी तक तो कोई जीएसटी में काम करना नहीं था, लेकिन जैसे ही जीएसटी रेगुलेशंस में आए, आपको रजिस्ट्रेशन करवाना है, आपको हर महीने रिटर्न भरनी है, आपको टैक्स जमा कराना है, अगर लेट वगैरह हो गए तो इंटरेस्ट पेनल्टी लगेगी, आईटीसी का बेनिफिट उठाना, आईटीसी के लिए सारे डॉक्यूमेंट संभाल के रखने हैं। तो कहीं ना कहीं एक नॉर्मल सज्जन इंसान कहता है भाई मेरे को तो पागल कर दिया, 20 लाख रुपए तक, 10 लाख रुपए तक, 40 लाख रुपए तक, डिपेंडिंग अपॉन द थ्रेशोल्ड लिमिट, आप जीएसटी में कोई काम नहीं करवा रहे थे और उसके बाद एकदम से इतना काम मेरे सिर पर थोप दिया है, इतना ज्यादा काम मेरे दिमाग पे डाल दिया है। तो इन दैट केस सरकार ने क्या कहा? सरकार ने कहा कि हमने आपके लिए क्या निकाला है दोस्तों? कॉम्पोजिशन स्कीम निकाली है, कॉम्पोजिशन लेवी निकाली है अंडर सेक्शन 10। और सेक्शन 10 में क्या बोला कि आप आगे सामान बेचते वक्त टैक्स मत कलेक्ट करो, आप पीछे से आईटीसी का अवेल भी मत करो, आप आगे से टैक्स मत कलेक्ट करो, आईटीसी का बेनिफिट नहीं मिलेगा, आपका जो टर्नओवर निकलता है उस टर्नओवर का छोटा सा परसेंट हमें दे देना टैक्स, हम भी चुप आप भी चुप। और ये टैक्स हर महीने नहीं देना, हर 3 महीने में एक बार देना है, हर महीने नहीं देना, हर 3 महीने में एक बार देना है। दूसरा पॉइंट जो बोला वो क्या बोला कि रिटर्न नॉर्मली लोग मंथली भरते हैं, आपको रिटर्न साल में एक बार भरनी है, टैक्स क्वार्टरली भरना है, इस चीज का ध्यान रखना, टैक्स क्वार्टरली भरना है लेकिन रिटर्न साल में एक बार भरनी है। मतलब जो आपके ऊपर जीएसटी के प्रोविजंस हैं वो सिंप्लीफाइड कर दिए गए हैं, वो इजी कर दिए गए हैं। ऑल राइट गाइस, ऑल राइट एवरीवन, ये दोस्तों सेक्शन 10(1) जो है इसमें जितने भी प्रोविजंस ये लिखे हुए हैं, यहां पर कहते हैं उन लोगों को अलाउ किया जाएगा जिनके पिछले साल का टर्नओवर 50 लाख है। तो दोस्तों ये 50 लाख अमेंड हो गया, इसके ऊपर मैंने ए लिख दिया है। ऊपर से कहते हैं यहां पर ये जो 1% मैन्युफैक्चरर को, ये भी अमेंड हो गया, इस पर मैंने ए लिख दिया। यहां पर 0.5% तो ठीक है, लेकिन यहां पर टर्नओवर की अंडरस्टैंडिंग बदल दी गई, मैंने उस पर अमेंडमेंट डाल दिया। दोस्तों तो मैं आप लोगों को अब डायरेक्टली क्या पढ़ा रहा हूं जो अमेंडेड है? मैं अगर ये वाला पूरा का पूरा लॉ पढ़ाऊं और उसके बाद अमेंडेड वाला पढ़ाऊं तो दिमाग में कंफ्यूजन जाता है, अरे यार पहले 50 बोला था, आप 1.5 लाख बोल रहे हैं, 1.5 करोड़ बोल रहे हैं, हमें कौन सा फॉलो करना है? तो मैं क्या कर रहा हूं दोस्तों,
बेयर एक्ट जो सेक्शन 10(1) आज भी ये क्योंकि बेयर एक्ट है इसको तो ऐसा ही रहना पड़ेगा, मैं अपनी बेयर एक्ट में जाकर बदलाव नहीं कर सकता। लेकिन जो अमेंडमेंट्स आए हैं फ्रॉम टाइम टू टाइम, क्या उसमें दोस्तों थ्रू द नोटिफिकेशंस, थ्रू द सर्कुलर्स, थ्रू द क्लैरिफिकेशंस, क्या उनको अपन पढ़ सकते हैं डायरेक्टली? द आंसर इज यस। आ जाओ भाई, सबसे पहले पॉइंट ये आता है कि कौन कॉम्पोजिशन स्कीम फॉलो कर सकता है। ऑप्शनल स्कीम है ये बात सही है, लेकिन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी है, ये बात का भी ध्यान रखना है। ऑप्शनल स्कीम है भाई, आप चाहो तो फॉलो कर सकते हो, चाहो तो नहीं कर सकते, लेकिन अगर करना चाहते हो तो देर आर सम टर्म्स एंड कंडीशंस जिनका ध्यान रखना पड़ेगा। अगर टर्म्स एंड कंडीशंस आप सेटिस्फाई नहीं करते हैं तो आपके लिए ये स्कीम बनी ही नहीं है, माना जाएगा कि ये आपके लिए स्कीम कभी आई ही नहीं थी। एवरीबडी अंडरस्टैंडिंग? कई बार बच्चों को लगता है सर ऑप्शनल है तो अलाउड ही है ना, हम आना चाहें तो आ सकते हैं। नहीं बच्चे, देयर इज अ थ्रेशोल्ड लिमिट टू फॉल अंडर सेक्शन 10 एंड दैट इज आपके पिछले साल का टर्नओवर। पिछले साल का टर्नओवर कहां तक का होना चाहिए? प्रीसीडिंग ईयर का टर्नओवर कहां तक का होना चाहिए दोस्तों? 1.5 करोड़ तक। मतलब आप इस साल में फॉलो कर सकते हो या नहीं? प्रीवियस ईयर 2021-22 में क्या हम कॉम्पोजिशन स्कीम फॉलो कर सकते हैं या नहीं? दैट डिपेंड्स अपॉन द टर्नओवर ऑफ द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, टर्नओवर ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2020-21। अगर 2021 का टर्नओवर 2021 का टर्नओवर इज मोर देन 1.5 करोड़ तो आप कॉम्पोजिशन स्कीम फॉलो नहीं कर सकते इन द ईयर 2021-22। अगर टर्नओवर इज लेस देन इक्वल्स टू 1.5 करोड़ तो क्या फॉलो कर सकते हैं? हाँ जी। मतलब इस साल कॉम्पोजिशन स्कीम फॉलो करने के लिए एक बार आपको गर्दन पीछे करनी पड़ेगी। ये पीछे करने का मतलब ये नहीं है कि मैं गर्दन की एक्सरसाइज करवा रहा हूँ, आलोम विलोम करवाऊंगा उसके बाद। गर्दन की एक्सरसाइज पीछे करना है मतलब पिछले साल का टर्नओवर देखना पड़ेगा। एक दो बच्चों ने चालू हो गए, ऐसे चालू मत हो जाना, सुबह उठ के एक्सरसाइज कर लिया करो, वो ही बहुत है भाई लोग। हाँ जी, एवरीबडी क्लियर अबाउट इट। अब अगर मैं इस साल कॉम्पोजिशन स्कीम फॉलो कर सकता हूं, क्योंकि मेरे पिछले साल का टर्नओवर वाज लेस देन 1.5 करोड़, पिछले साल का टर्नओवर 1.5 करोड़ से कम था, तो दोस्तों फॉर द फर्स्ट 1.5 करोड़, मतलब फ्रॉम जीरो टू 1.5 करोड़, फ्रॉम जीरो टू 1.5 करोड़ दोस्तों, क्या आप कॉम्पोजिशन स्कीम में आएंगे? द आंसर इज यस। जीरो से लेकर 1.5 करोड़ तक इस साल में कॉम्पोजिशन स्कीम में आऊंगा। जैसे ही 1.5 करोड़ पर पहुंच गया, तो 1.5 करोड़ के आगे दोस्तों मेरे को नॉर्मल स्कीम फॉलो करनी पड़ेगी। तो लेट्स से दोस्तों इस साल इन द ईयर 2021-22 मेरा टर्नओवर 1.9 करोड़ था, तो दोस्तों कॉम्पोजिशन स्कीम में 1.5 करोड़ तक का ट्रीटमेंट होगा। बचा हुआ 40 लाख दोस्तों आपका किस में चला जाएगा? नॉर्मल स्कीम में चला जाएगा। अब मुझे ये बताएं फॉर द नेक्स्ट ईयर 22-23 क्या मुझे कॉम्पोजिशन स्कीम अलाउड है? द आंसर इज नो, क्योंकि सर पिछले साल का एग्रीगेट टर्नओवर आपका 1.9 करोड़ था, मतलब 1.5 करोड़ से ज्यादा का था। इस साल धंधे में मंदी हो गई, धंधा कम चला, टर्नओवर मेरा 1.2 करोड़ का ही रहा इस साल, तो क्या ये पूरा 1.2 करोड़ नॉर्मल स्कीम में जाएगा? द आंसर इज यस, ये पूरा 1.2 करोड़ नॉर्मल स्कीम में जाएगा। हाउएवर, क्या मैं इसके अगले साल 23-24 में क्या मैं फिर से कॉम्पोजिशन स्कीम फॉलो कर सकता हूं? द आंसर इज यस। मुझे क्या करना है? बस मुझे मंडी पीछे करनी है दोस्तों, मुंडी पीछे करके पिछले साल का टर्नओवर देखना है। यहां तक क्लियर हुआ तो थम्स अप करेंगे दोस्तों, एक बार थम्स अप करेंगे एवरीबडी। ऑलराइट गाइस, ऑलराइट, सुपर। हाउएवर ये 1.5 करोड़ की लिमिट को कम कर दिया गया है। कितना कर दिया गया है? 75 लाख कर दिया गया है। 75 लाख कर दिया गया है
इन 8 आउट ऑफ 11 स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स, इन 8 आउट ऑफ 11 स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स, जिसमें कौन कौन से आते हैं, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, याद रखने हैं। अब मैं आपको वैसे बता दूं टोटल आपके कितने स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स हैं, टन 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 ऐसे ध्यान रखा करो, अंपायर कैसे करता है ऊपर उंगली ऐसे छक्का मारता है, 11, लेकिन 11 में से निशान MMTN पर आ गया। अरे मेरे भाई, निशान रजिस्ट्रेशन की लिमिट की बात नहीं हो रही है, कॉम्पोजिशन स्कीम की बात हो रही है। 11 में से आसाम, हिमाचल प्रदेश और JNK, ये हैं तो स्पेशल कैटेगरी स्टेट एज पर द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन। ये क्या है दोस्तों, स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स है, हाउएवर इनका टर्नओवर लिमिट 1.5 करोड़ ही रहेगा, इनका टर्नओवर लिमिट कितना रहेगा, 1.5 करोड़। अब दिमाग में आता है तो सर 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 एक ब्रांच हमारा उत्तराखंड में है, दूसरा ब्रांच हमारा हिमाचल प्रदेश में है, फिर क्या होगा, एक ब्रांच में 75 लाख की लिमिट, दूसरे में 1.5 करोड़ की लिमिट, देन द लोअर लिमिट शैल बी एप्लीकेबल टू बोथ द ब्रांचेस जिनके टर्नओवर को एग्रीगेट कर देखा जाएगा। पहली चीज, पर ब्रांच की लिमिट नहीं है, ये एक इंसान की एक पैन नंबर पर जुड़ी हुई सारे ब्रांचेस की एग्रीगेट टर्नओवर है। कई बच्चे कंफ्यूज क्या करते हैं कि अच्छा अगर उसने दो ब्रांचेस हैं विद इन द सेम स्टेट और उसने सिंगल रजिस्ट्रेशन लिया, एक को एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस बोला, पहले वाले को प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस बोला, तो इसमें तो एग्रीगेट कर देंगे, लेकिन अगर एक इंसान ने दो अलग अलग रजिस्ट्रेशन लिए हैं तो दो ब्रांचेस के दो अलग अलग रजिस्ट्रेशन लिए हैं तो उसे जोड़ने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल गलत। अगर पैन नंबर सेम है, अगर पैन नंबर सेम है दोस्तों, तो सारे ब्रांचेस को जोड़ना है, सारे के सारे ब्रांचेस को जोड़ना है, वेदर सेपरेटली रजिस्टर्ड और नॉट। ऑलराइट गाइस, तो जो ये आपका क्वेश्चन था, ये आपका क्वेश्चन का आंसर यही है कि एक उत्तराखंड में, एक मध्य प्रदेश में है, तो 75 लाख की लिमिट एप्लीकेबल होगी। ये एग्जांपल्स फॉर बेटर क्लैरिफिकेशन। एंड व्हाट इज एग्रीगेट टर्नओवर, एग्रीगेट टर्नओवर में क्या क्या आएगा राठी जी, एग्रीगेट टर्नओवर में क्या क्या आएगा राठी जी, दोस्तों एग्रीगेट टर्नओवर में, एग्रीगेट टर्नओवर में, अच्छा सबसे पहली चीज, आप एग्रीगेट टर्नओवर कौन से साल का देख रहे हैं, इस साल का, प्रीवियस ईयर का। अब बच्चों को और भयंकर कंफ्यूजन, आप लोग आगे देखेंगे सेक्शन 10(2) में टर्म्स एंड कंडीशंस है, सेक्शन 10(2) में टर्म्स एंड कंडीशंस है, जिसमें से एक बड़ी इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि आप इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज नहीं कर सकते, आप इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज नहीं कर सकते। अब यहां पर जैसे इंटरस्टेट देखते हैं उनके कान खड़े हो जाते हैं, कह रहे हैं राठी जी कैसी बातें करते हैं, आपने एक तरफ तो सेक्शन 10(2) में ये लिख दिया कि इंटरस्टेट नहीं कर सकते, दूसरी तरफ ये बोल रहे कि टर्नओवर में इंटरस्टेट जोड़ दो। अरे लल्लू राम, मैं बस प्रीवियस ईयर का टर्नओवर, प्रीवियस ईयर में तुमने क्या किया मुझे नहीं पता, मेरे को तो बस प्रीवियस ईयर के टर्नओवर में बता दो कि टोटल टर्नओवर, एग्रीगेट टर्नओवर कितना है। अगर मैं इस साल इंटरस्टेट करूंगा तो मुझे इस साल धक्का मार के कॉम्पोजिशन से बाहर निकाल देना, लेकिन मेरे को पिछले साल के टर्नओवर के बेस पर इस साल चालू तो करने दो कॉम्पोजिशन स्कीम। समझ में आया, समझ में आया, मतलब दोस्तों, इन द प्रीवियस ईयर, इन द प्रीसीडिंग ईयर, फाइनेंशियल ईयर 2021, मेरी बात ध्यान से सुनना, 2021 आपको लेट्स से इस साल भी कॉम्पोजिशन स्कीम अलाउड थी, आपका टर्नओवर जीरो से चालू हुआ, आप 40 लाख पर पहुंचे, ध्यान से मेरी बात सुनना, 40 लाख पर पहुंचे और उसके बाद आपने इंटरस्टेट कर दिया, उसके बाद आपने इंटरस्टेट कर दिया, तो क्या अब आपको 40 लाख से धक्का मार दिया जाएगा टू नॉर्मल स्कीम, क्या 40 लाख के बाद आपको धक्का मार दिया गया इन द फाइनेंशियल ईयर 2021, हाँ धक्का मार दिया गया भाई, आप नॉर्मल स्कीम में आ गए, लेकिन टर्नओवर बढ़ते 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 1.3 करोड़ तक पहुंचा। अब मुझे बताओ फॉर द फाइनेंशियल ईयर 21-22, अब मुझे बताओ फॉर द फाइनेंशियल ईयर 21-22 क्या 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 दोस्तों कॉम्पोजिशन स्कीम अलाउड है, क्या कॉम्पोजिशन स्कीम अलाउड है, द आंसर इज यस।
मुझे ये नहीं देखना कि पिछले साल में मैंने इंटरस्टेट करी कि नहीं करी, एक्सपोर्ट करी कि नहीं करी, फलान ढिमकान किया कि नहीं किया। मुझे तो बस ये बता दो कि मेरे पिछले साल का टर्नओवर कितना है। हमने कहा 1.3 करोड़ है, तो क्या आपको अलाउड है? द आंसर इज यस। अब समझ में आया गाइस? एवरीवन क्लियर अबाउट इट? तो एक बार फिर से थम्स अप करेंगे। एग्रीगेट टर्नओवर में क्या क्या आता है? टैक्सेबल सप्लाइज, एक्सपोर्ट सप्लाइज, एग्जेम्प्ट सप्लाइज, एक्सपोर्ट, इंटरस्टेट ऑफ पर्संस हैविंग द सेम पैन be computed on all India basis, but shall not include CGST, SGST, UTGST, IGST cesses and value of inward supplies on which tax is payable under reverse charge. Reverse charge में दोस्तों जाकर अगर हमें सरकार को देना है तो वो देना ही है, लेकिन after all वो purchases है ना। आप सोचो सोचो सोचो, मैंने जीटीए से सर्विसेज ली जिस पर मुझे रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में जाकर पे करना पड़ा। आफ्टर ऑल वो सर्विसेज अवेल्ड हैं। हमेशा बिजनेसमैन या बिजनेस वेमेन जैसा दिमाग रखेंगे ना, कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आप गुड्स ले रहे हो, सर्विसेज ले रहे हो, तो वो आपकी परचेजेस ही तो हुई, प्रोक्योरमेंट ही तो हुई, सर्विसेज अवेल्ड ही तो हुई। हाँ या ना? द आंसर इज यस, सर्विसेज अवेल्ड हुई। जब इसे आगे सप्लाई करेंगे, जब इसे आगे सप्लाई करेंगे, वो एग्रीगेट टर्नओवर में आएगा। आरसीएम आउटवर्ड ऐड होगा टर्नओवर में। वेल डन सौम्या। अगर मैंने आगे सामान दिया, मैंने सौम्या को सामान बेचा, मैंने अभिनव को सामान बेचा, तो इन दैट केस जब मैंने आगे सामान बेचा, इन विच सौम्या एंड अभिनव आर सपोज टू पे टैक्स ऑन आरसीएम, इट विल नॉट बी इंक्लूडेड इन द टर्नओवर ऑफ सौम्या एंड अभिनव, इट विल बी इंक्लूडेड इन माई टर्नओवर। वो मेरे टर्नओवर में जोड़ा जाएगा, जो इंसान बेच रहा है उसके टर्नओवर में जोड़ा जाएगा। ये दोस्तों एग्जांपल्स हैं, ये नोट है, ये वही नोट है दोस्तों। द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट एंड इंटरस्टेट सप्लाईज ओनली रेलेवेंट व्हाइल डिटरमाइनिंग द एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ द प्रीसीडिंग ईयर। इंटरस्टेट मैंने अगर इस साल कर दिया तो मैं इसी साल जैसे ही इंटरस्टेट किया, उसी इंटरस्टेट से मेरे को धक्का लगेगा और धक्का लग के मैं नॉर्मल स्कीम में आ जाऊंगा। ध्यान रखना, नेचर ऑफ बिजनेस ऑफ पर्संस हु विशेस टू ऑप्ट फॉर द कंपोजिशन लेवी स्कीम। नेचर ऑफ बिजनेस ऑफ पर्संस हु विशेस टू ऑप्ट फॉर कंपोजिशन लेवी स्कीम। दोस्तों वही 1.5 करोड़ का टर्नओवर, 75 लाख इन केस ऑफ 8 स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स, 8 ऑफ द स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स, आसाम, हिमाचल प्रदेश एंड जेएनके को छोड़कर सारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स प्लस उत्तराखंड। मैन्युफैक्चरर्स, मैंने पहले क्या दिखाया था, 1%, अमेंडमेंट क्या आ गई दोस्तों, 0.5%। लेकिन इस चीज का ध्यान रखना, ये 0.5% जो है, ये 0.5% ऑफ द सीजीएसटी एक्ट है, क्योंकि सेक्शन 10 सीजीएसटी एक्ट का पढ़ा रहा हूं। तो आप लोग जब भी अगर आप लोगों का फुल फ्लेज्ड क्वेश्चन आए, मेक श्योर अगर क्वेश्चन में मैन्युफैक्चरर है या रेस्टोरेंट वाला है या एनी अदर ट्रेडर है, तो आप सीजीएसटी 0.5% और एसजीएसटी 0.5% अलग अलग दिखाना, अलग अलग दिखाना। आप तो अलग अलग ही दिखा देना, कोई टेंशन ही ना हो। टोटल 1% है। वेल डन अभिनव, टोटल 1% है। तो मैन्युफैक्चरर्स अदर देन नोटिफाइड गवर्नमेंट मैन्युफैक्चरर्स, दैट इज आइसक्रीम, पान मसाला, टोबैको, एरेटेड वाटर मैन्युफैक्चरर्स कितना है? 0.05% ऑफ द टर्नओवर। टर्नओवर यहां पर कौन सा है दोस्तों? टोटल टर्नओवर। कौन सा है? टोटल टर्नओवर। Suppliers making supplies referred to in clause B of paragraph 6, restaurant services kitna hai? 2.5% CGST, SGST total 5%. Any other supplier trader eligible for composition levy 0.5% of taxable. ye point bada acha hai dosto. अगर इन केस ऑफ एनी पर्सन अदर देन मैन्युफैक्चरर एंड रेस्टोरेंट सर्विस प्रोवाइडर, वहां पर अगर आपने कुछ गुड्स दिए हैं जिसमें से कुछ एग्जेम्प्ट है, कुछ टैक्सेबल है, तो टर्नओवर में 0.5% किस किस का निकालना है? 0.5% ऑफ
टैक्सेबल टर्नओवर, एग्जेम्प्ट वाला मत कंसिडर करना। तो अगर कोई ट्रेडर है जिसने जिसने 12 लाख का टैक्सेबल टर्नओवर किया है, 8 लाख का एग्जेम्प्ट टर्नओवर किया है, तो 12 लाख पर कंसिडर किया जाएगा, 8 लाख पर कंसिडर नहीं किया जाएगा। 12 लाख का 0.5% सीजीएसटी, 0.5% एसजीएसटी वन मार्कर में आ सकता है। ये आ जाओ दोस्तों इक्वली इंपॉर्टेंट पॉइंट। अच्छा ये ध्यान रखना, अगर वो मैन्युफैक्चरर हुआ तो 0.5% ऑफ दोनों का मिलाकर 20 लाख, 0.5% ऑफ 20 लाख सीजीएसटी, 0.5% ऑफ 20 लाख एसजीएसटी। मार्जिनल सप्लाई ऑफ सर्विसेज अलाउड अदर देन रेस्ट ऑफ सर्विसेज अलोंग विद द सप्लाई ऑफ गुड्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, खुद से भी मैंने मार्क कर रखा है दोस्तों। सरकार ने कहा जनरली तो हम गुड्स वालों को ही अलाउ करते हैं, लेकिन कई बार प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है कि एक इंसान जो बिजनेस कर रहा है वो छोटी मोटी सर्विसेज में भी इन्वॉल्व ना हो। जैसे कि दोस्तों मेरा पूरा बड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान है, लेकिन अपने ग्राहकों को खुश रखने के लिए दोस्तों मैंने बगल में ही एक छोटा सा रिपेयरिंग सेंटर खोल रखा है। भाई तुमने टीवी खरीदा है, कल को बिगड़ जाए तो आके यहीं ठीक करवा लेना, मैं सस्ते दाम में करवा दूंगा। मोबाइल फोन बिगड़ जाए, यहीं ठीक करा लेना, मैं सस्ते दाम में। तो इन दैट केस क्या दोस्तों मेरा मेन काम अभी भी गुड्स देना ही है? द आंसर इज यस। उसके साथ साथ में छोटी मोटी सर्विसेज दे रहा हूं, बागा बाई टाइप, बिल्कुल सही सौम्या। तो सरकार ने कहा आप सर्विसेज दे सकते हो, हम आपको फिर भी कॉम्पोजिशन स्कीम में रहने देंगे, हम आपको फिर भी कॉम्पोजिशन स्कीम में रहने देंगे, प्रोवाइडेड द टर्नओवर ऑफ सर्विसेज, प्रोवाइडेड द सर्विसेज दैट यू प्रोवाइड इज 10% ऑफ द टर्नओवर ऑफ द प्रीसीडिंग ईयर या 5 लाख, व्हिच एवर इज हायर। 10% ऑफ द टर्नओवर ऑफ द प्रीसीडिंग ईयर और 5 लाख रुपीज, व्हिच एवर इज हायर, दोनों में से जो भी ज्यादा होगा। ऑल राइट एवरीबॉडी, आईसीआई एग्जाम्पल आया है दोस्तों, आईसीआई एग्जाम्पल है, इसको आप पढ़ सकते हैं। पिछले साल का टर्नओवर 60 लाख था, उसका 10% 6 लाख, और 5 लाख व्हिच एवर इज हायर 6 लाख तक आप कंसिडर कर सकते हैं। इंटरेस्ट इनकम दोस्तों, इंटरेस्ट इनकम एक बिजनेसमैन के लिए एक बिजनेस में बहुत नॉर्मल बात होती है। ये इंटरेस्ट इनकम कोई दोस्तों आप लोगों का बॉन्ड्स डिवेंचर्स वाला नहीं है, लेकिन यहां पर है कि आप अपने बिजनेस में लोन देते हो सामने वाले को, बिजनेस में लोन देते हो सामने वाले को दोस्तों। आपने उधारी पर सामान बेचा, लेट्स से मैंने नुपुर को उधारी पर सामान बेचा और मैंने कहा नुपुर आपको 5 लाख रुपए का सामान बेचा है, आपको 1 महीने के अंदर पेमेंट करनी है। नुपुर भी ओवर कॉन्फिडेंट, अरे राठी जी 1 महीना तो बहुत दूर की बात है, मैं तो 10 दिन में पेमेंट कर दूंगी। मैंने 10 दिन के बाद फोन किया, मैंने कहा अरे वो नुपुर मैडम पेमेंट करनी थी। अरे राठी जी बिल्कुल ही उतावले हो रहे हो, महीने भर की बात थी ना, आपने पहले क्यों फोन करे, फोन काट दिया, मतलब ऐसे बिल्कुल मुंह पे फोन काट दिया। फिर मैंने कहा भाई चलो महीने भर की बात थी तो महीने भर में आ जाएगा। 30 दिन बाद फोन किया, मैंने कहा अब महीना गुजर गया। अरे राठी जी क्या बताओ आपको, मैंने कहा क्या बताऊं कुछ तो बताओ। कह रहे अरे मेरे पैसे फंस गए हैं, मेरे को आगे भूपेश से, रेशमा से, अभिनव से इनसे पैसा लेना दे ही नहीं रहे। मैंने कहा भाई मेरे को नहीं पता, तुम इतना तो फेंक रही थी कि मैं तो 10 दिन में दे दूंगी, अब तुमने 30 दिन में भी पैसा नहीं दिया। अरे राठी जी मैं आपको क्या बताऊं, मैं जल्दी देती हूँ। मैंने कहा नहीं बेट, देख लो कॉन्ट्रैक्ट में पीछे लिखा हुआ है कि अगर आपने डिलेड पेमेंट करी तो आपको 12% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। तो अब जो इंटरेस्ट मिला वो क्या गुड्स है? वो क्या गुड्स है? नहीं, वो सर्विसेज है, वो सर्विसेज है। अब उसने मुझे इंटरेस्ट पे किया, नुपुर इंटरेस्ट की पेमेंट करके गई थी कि मोदी जी आ गए मेरे पास। मैंने कहा अरे मोदी जी आप बिल्कुल ही घूमते फिरते रहते हैं क्या? अरे यही काम है आपको, आपका अभी तो इंडिया में घूम रहा हूँ, वैसे तो विदेश घूमता हूँ, अभी तो फिर भी आपको पकड़ने के लिए इंडिया में घूम रहा हूँ। मैंने कहा बोलिए भाई कैसे आना हुआ आपका? तो कहते हैं वो राठी जी बात ऐसी थी। हाँ जी कैसी थी? सुनिए तो, कि आपने जो मार्जिनल सप्लाई ऑफ सर्विसेज है, मार्जिनल सप्लाई ऑफ सर्विसेज है, उसमें आपने इतनी सारी तो आपको सर्विसेज मिल गई हैं। मैंने कहा कौन सी सर्विस मिल गई, मैंने तो कोई सर्विस दी ही नहीं है। कहते हैं इंटरेस्ट इनकम मिला ना आपको। मैंने कहा यार ये इंटरेस्ट इनकम मिला, ये तो ऐसे तो बहुत जगह से हमें इंटरेस्ट मिलता है, हम भी इंटरेस्ट देते हैं, तो ऐसे तो आप किसी ना किसी तरह हमें कॉम्पोजिशन स्कीम से बाहर ही निकाल देंगे। तो
तो सरकार ने इस चीज को समझा और सरकार ने कहा इंटरेस्ट इनकम को ना तो आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम अंडर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 10(1), मतलब ये 5 लाख वाला जो ऊपर था ना मार्जिनल सप्लाई ऑफ सर्विसेज, मार्जिनल सप्लाई ऑफ सर्विसेज उसमें काउंट करेंगे और ना ही आप एग्रीगेट टर्नओवर में काउंट करेंगे। ना तो आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में काउंट करेंगे और ना ही एग्रीगेट टर्नओवर में काउंट करेंगे। आ जाओ भाई इंटीमेशन ऊपर क्वेश्चन है दोस्तों, कुछ छुड़वा नहीं रहा हूं, ऐसा मत सोचना राठी जी बीच में से इधर उधर ही पेज घुमा देते हैं, हमें समझ में नहीं आ रहा हमें कहां जाना है, कुछ छुड़वा नहीं रहा हूं दोस्तों। ओके फिर उसे कहां ट्रीट करेंगे जुनैद भाई, आपका एज एन इनकम रहेगी वो बस, उसका जीएसटी में कोई लेना देना नहीं होगा। इंटीमेशन ऑफ पर्सन अप्लाइंग फॉर रजिस्ट्रेशन दोस्तों, एनी पर्सन हु इज नॉट रजिस्टर्ड, जो अभी तक रजिस्टर्ड नहीं था और फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन करवा रहा है, वो पार्ट बी में इंटीमेट करेगा कि भाई मैं अब क्या फॉलो करना चाहता हूं, मैं क्या फॉलो करना चाहता हूं कॉम्पोजिशन स्कीम। और जो पहले से ही रजिस्टर्ड इंसान है, जो पहले से ही रजिस्टर्ड इंसान है दोस्तों, उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जब नया साल चालू हो तो डिपेंडिंग अपॉन द टर्नओवर ऑफ द प्रीसीडिंग ईयर उसे इंटीमेट करना पड़ेगा कि मैं कॉम्पोजिशन लेवी फॉलो करना चाहता हूं। क्या ये बात उतनी ही सच है दोस्तों कि आईटीसी भी फिर रिवर्सल वगैरह होता है, अगर आप नॉर्मल स्कीम से कॉम्पोजिशन में आओ, कॉम्पोजिशन से नॉर्मल में जाओ, वो अपन इनपुट टैक्स क्रेडिट में पढ़ेंगे। फर्दर एनी इंटीमेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी प्लेस ऑफ बिजनेस इन अ स्टेट यूटी शैल बी डीम्ड टू बी एन इंटीमेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑल अदर प्लेसेस ऑफ बिजनेस। ऑल अदर प्लेसेस ऑफ बिजनेस मतलब दोस्तों, अगर एक ब्रांच ने कॉम्पोजिशन स्कीम फॉलो करी और एक ब्रांच ने इंटीमेट कर दिया, तो क्या ये माना जाएगा कि बाकी ब्रांचेस का भी सेम इंटीमेशन ही था, क्योंकि आपको पता है या तो सारे ब्रांचेस एक साथ चलते हैं या नहीं चलते हैं। हाँ जी गाइस, टर्म्स एंड कंडीशन गाइस, सेक्शन 10(2) कहते हैं द रजिस्टर्ड पर्सन शैल बी एलिजिबल टू ऑप्ट अंडर सबसेक्शन 1 इफ As save as provided in subsection 1, he is not engaged in the supply of services. Services देना allowed नहीं है other than marginal supply of services and restaurant service. Restaurant service तो allowed है ही है, marginal supply of services तक दे सकते हो, उसके बाद नहीं allowed होगा. He is not engaged in making any supply of goods or service, goods which are not levyable to tax under this act. जहां जहां goods हैं वहां वहां services भी जुड़ गए हैं दोस्तों, ये वाले नोट्स में वो अपडेट नहीं हुआ है, लेकिन जहां जहां गुड्स हैं, इंटर स्टेट आउटवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। आप पहले दोस्तों क्या होता था, पहले क्या होता था कि भाई अगर आप इंटर स्टेट गुड्स का कर रहे हो तो कॉम्पोजिशन स्कीम से बाहर, लेकिन इंटर स्टेट सर्विसेज का कर रहे हो तो कॉम्पोजिशन स्कीम में रहोगे। अगर आप इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ सर्विसेज कर रहे हो अप टू मार्जिनल सप्लाई ऑफ सर्विसेज तो भी आप कॉम्पोजिशन स्कीम में रहते थे, लेकिन अब क्या बोला, अगर आपने 10 रुपए की भी इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ सर्विसेज कर दी, इंटर स्टेट चाहे आप मार्जिनल सप्लाई ऑफ सर्विसेज के अंदर ही क्यों ना हो, यू शैल नॉट बी अलाउड, आपको अलाउ नहीं किया जाएगा। सर कॉम्पोजिशन लेवी में इंट्रा स्टेट एक्सक्लूडेड है ना, इंट्रा अलाउड है, इंटर अलाउड नहीं है। इंट्रा मतलब विद इन द सेम स्टेट साहिल अलाउड है, इंटर एक राज्य से दूसरे राज्य, एक यूनियन टेरिटरी से दूसरी यूनियन टेरिटरी अलाउड नहीं है। इज नॉट एंगेज्ड इन मेकिंग एनी सप्लाई ऑफ गुड्स थ्रू एन ईसीओ, ईसीओ के थ्रू सामान बेच रहे हो जो कि टीसीएस कलेक्ट कर रहा है अंडर सेक्शन 52, कॉम्पोजिशन नहीं फॉलो कर सकते। ही इज नॉट अ मैन्युफैक्चरर ऑफ नोटिफाइड गुड्स, पान मसाला टोबैको एरेटेड ड्रिंक्स आइसक्रीम वेदर कंटेनिंग कोको आर नॉट, एंड सीटीपी एनआरटीपी इन्हें अलाउड नहीं है, सीटीपी एनआरटीपी शैल नॉट बी अलाउड टू फॉलो द कंपोजिशन स्कीम। तो सेक्शन 10(2) इज अबाउट, यार इंश्योरेंस कंपनी में नहीं होते वो टर्म्स एंड कंडीशंस नीचे लिखे हुए छोटे से वो है सेक्शन 10(2) टर्म्स एंड कंडीशंस, कि इन लोगों को ABCDEF दे शैल नॉट बी अलाउड, they shall not be allowed to follow composition scheme under section 10(1). All right.
उसके बाद प्रोवाइडेड दैट वेयर मोर देन वन रजिस्टर्ड पर्सन आर हैविंग द सेम परमानेंट अकाउंट नंबर इश्यूड अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 1961, तो उन सारे ब्रांचेस को साथ में फॉलो करना होगा या साथ में बाहर चले जाओ, या तो साथ में फॉलो करो या साथ में रफा दफा हो लो। सेक्शन 10(2) लिस्ट डाउन द आइटम्स, लिस्ट डाउन द टर्म्स एंड कंडीशंस फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम डीलर, एनी पर्सन हु फॉल्स अंडर क्लॉजेस ए टू एफ ऑफ सेक्शन 10(2) शैल बिकम इन एलिजिबल फॉर द कॉम्पोजिशन स्कीम। क्लॉज ए, मार्जिनल सप्लाई ऑफ सर्विसेज के अलावा आप लोग फर्दर सर्विसेज नहीं दे सकते। कॉम्पोजिशन बी, आप कोई भी गुड्स ऑब्लिक सर्विसेज उनका काम कर रहे हो जिस पर जीएसटी नहीं लगता। लेट्स से अगर आप पेट्रोल का काम कर रहे हो तो आप कॉम्पोजिशन स्कीम फॉलो नहीं कर सकते। अब आपको लगेगा सर हम पेट्रोल का काम कर रहे हैं तो हमारे ऊपर तो वैसे भी जीएसटी नहीं लगता। अरे बुद्धू राम, आप पेट्रोल के साथ साथ एक कपड़ों की भी दुकान चलाते हो तो आपके कपड़े की दुकान के लिए भी आपको कॉम्पोजिशन स्कीम अलाउड नहीं है। ये बात तो मैं भी समझता हूं कि अगर आप पेट्रोल का काम कर रहे हो तो आप जीएसटी लॉ में नहीं हो, बिकॉज एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम जीएसटी लॉ में ये पांच पेट्रोलियम मतलब पांच पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पर जीएसटी लॉ नहीं लगता। लेकिन पेट्रोल के साथ या दारू के साथ आप कोई जीएसटी का भी काम कोई दूसरा काम कर रहे हो तो उस पर कॉम्पोजिशन स्कीम अलाउड नहीं है। इंटरस्टेट, हाउ, ये देखो इंटरस्टेट ट्रेड और कॉमर्स, ये आगे की लाइन हटा देना। अच्छा नहीं, आगे की लाइन सही है, सॉरी। हाउएवर देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन इंटरस्टेट परचेजेस, परचेज कर सकते हो इंटरस्टेट, ये मैंने कभी भी मना नहीं किया। इंटरस्टेट सप्लाई करना मना है, इंटरस्टेट परचेजेस कर सकते हो। ईसीओ के थ्रू सामान बेच रहे हो जो टीसीएस कलेक्ट कर रहा है, ये टीसीएस फाइनल लेवल में पढ़ोगे। क्लॉज ई, सर्टेन नोटिफाइड गुड्स की आप मैन्युफैक्चरिंग में इन्वॉल्व हो, आइसक्रीम एंड अदर एडिबल आइस वेदर और नॉट कंटेनिंग कोकोआ, पान मसाला, टोबैको एंड टोबैको सब्स्टिट्यूट एंड एरेटेड वाटर्स, एरेटेड ड्रिंक्स। आ जाओ भाई, क्लॉज एफ, द असेसिस शुड नॉट बी अ सीटीपी और एनआरटीपी। इन लोगों को तो दोस्तों काम धंधा करने से कितने दिन पहले रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है, फटाफट बताएंगे, काम धंधा चालू करने से पहले 5 दिन पहले, और 5 दिन पहले रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, ये बात सही है। लेकिन रजिस्ट्रेशन के कॉम्पोजिशन स्कीम में करवा सकते हैं क्या? एनआरटीपी कॉम्पोजिशन स्कीम में करवा सकता है? द आंसर इज नो, दे कैन नॉट डू सो। आ जाओ भाई, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। Composition levy to be adopted uniformly by all the registered person having the same PAN, जैसा कि मैंने बताया आप लोगों के पास पांच ब्रांचेस हैं तो पांचों के पांचों ब्रांचेस, पांचों के पांचों ब्रांचेस दोस्तों आपके या तो कॉम्पोजिशन स्कीम फॉलो करेंगे या नहीं फॉलो करेंगे। ऐसा नहीं कर सकते भाई, कर लें क्या, थोड़ा दो ब्रांच की इच्छा है कॉम्पोजिशन की, तीन की नहीं है, बहुत मनाया मना कर रहे हैं, दो वाले बिल्कुल जमीन पे लेट गए हैं बच्चे की तरह, अलाउ कर दे क्या? नहीं, नहीं। Notwithstanding anything to the contrary contained in this act, but subject, ये दोस्तों 10(2)A, this actually came in order to benefit the small service providers. मैं आप लोगों को ये चीज बहुत क्लियर कट बोल दूं, दोस्तों बहुत क्लियर कट, सेक्शन 10(2)A में बच्चे कई बार ये समझ लेते हैं कि सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए सेक्शन 10(2)A बना है, ऐसा नहीं है। तो सर अभी तो आपने बोला, मैंने लॉजिकल इंटरप्रिटेशन निकाला, सरकार ने क्या कहा, जो सेक्शन 10(1) और सेक्शन 10(2) में नहीं आ पाता है, जो 10(1) जो पहले जहां पे 1.5 करोड़ और 75 लाख की लिमिट थी, 10(2) टर्म्स एंड कंडीशंस थी, तो जो 10(1) 10(2) में कंडीशंस को सेटिस्फाई नहीं कर पाता है वो चाहे तो आके एक बार 10(2)A देख ले, वो चाहे तो आकर 10(2)A देख ले, चेक कर ले, अगर उसके ऊपर 10(2)A लग जाए, अगर वो 10(2)A फॉलो करना चाहे तो वो कर सकता है, हमें कोई दिक्कत नहीं। कहीं पर भी पूरे बेयर एक्ट में ये नहीं लिखा कि यहां पर सर्विस प्रोवाइडर्स आएंगे। आपका और मेरा लॉजिकल इंटरप्रिटेशन है कि रेस्टोरेंट सर्विस को छोड़कर और कोई सर्विसेज आपकी सेक्शन 10(1) में नहीं आती, मेन काम आपका गुड्स का ही था, उसके साथ साथ मार्जिनल सप्लाई और सर्विसेज दे रहे हो वो बात अलग है, लेकिन मेरे जैसा इंसान
जो कोचिंग सेंटर खोलकर बैठा है, पार्वती जो ब्यूटी सलॉन खोलकर बैठी है, रेशमा टूर्स एंड ट्रेवल्स की सर्विसेज खोलकर बैठी है, हम तीनों बैठे हुए ऐसे सोच रहे हैं यार हमारे लिए तो मोदी जी ने कुछ नहीं बनाया। तो हम जब मोदी जी के पास गए तो कहते हैं तुम्हारे ऊपर 10-1 नहीं लगता, हमने कहा नहीं लगता, सर्विस प्रोवाइडर में सिर्फ रेस्टोरेंट वाले को अलाउड है, हमारे ऊपर नहीं लगता। तो कहते हैं 10-2A चेक करो, और 10-2A क्या कहता है, 10-2A क्या कहता है कि अगर आपके पिछले साल का टर्नओवर 50 लाख, टर्नओवर का मतलब वही है जो अभी पढ़कर आए, पिछले साल का टर्नओवर 50 लाख रुपए तक का है, कहां तक है 50 लाख रुपए तक का है, तो आप लोग टैक्स पे कर सकते हैं 3% सीजीएसटी, 3% एसजीएसटी, 6% टैक्स पे कर दे, और आप लोग कॉम्पोजिशन स्कीम अंडर सेक्शन 10-2A विच इज ऑल्सो नोन एज प्रिजम्प्टिव स्कीम में फॉलो कर सकते हैं। ऑल राइट गाइस, everybody clear about it, ये terms and conditions हैं A B C D E, ये दोस्तों वही terms and conditions हैं जो वहां पर पढ़कर आए हैं, वहां पे तो सर F भी था। सबसे पहला पॉइंट जो था वहां पर वो यही था कि आप सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करते अदर देन मार्जिनल सप्लाई ऑफ सर्विसेज, करेक्ट, तो वो पॉइंट यहां तो नहीं लिखेंगे क्योंकि यहां पर तो आ ही सर्विसेज वाले रहे हैं ज्यादातर, बाकी सारे पॉइंट सेम है, आप कोई भी गुड्स और सर्विसेज का काम नहीं करते जिस पे जीएसटी नहीं लगता, इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज अलाउड नहीं है, ईसीओ के थ्रू जो सेक्शन 52 में टीसीएस काटता है, मैन्युफैक्चरर ऑफ नोटिफाइड गुड्स या सीटीपी और एनआरटीपी, मतलब अब टर्म्स एंड कंडीशंस आर मोर और लाइकली सेम 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 सेम, एवरीबॉडी क्लियर अबाउट इट, प्रोवाइडेड दैट मोर देन where more than one registered person are having the same permanent account number, wahi agar permanent account number same hai to in that scenario sare branches ko sath mein follow karna padega. Requirement for newly inserted section 10-1 majorly covered goods and not services extra restaurant services, further marginal supply of services is permitted along with the supply of goods or restaurant services as discussed above, this scheme is provide to benefit small service providers to pay tax at a concessional rate who are otherwise not eligible for composition levy. Aji guys, threshold limit 50 lakh, rate of tax 3%, 3% terms and conditions main aap logon ko padha chuka hu. Bas manufacturer ke saath yahan supplier bhi sab hai Tanisha. सब है, लेकिन ध्यान रखना जो 10-1 या 10-2 में नहीं आए वो 10-2A चेक करेंगे, जो 10-1 या 10-2A में सॉरी 10-1 या 10-2 में नहीं आए वो 10-2A में आके चेक करो उनके लिए। अब तनिषा थोड़ा सा ये सोचो, अगर आपका पिछले साल का टर्नओवर 1.7 करोड़ है तो आप सेक्शन 10-1 में नहीं आए क्योंकि वहां 1.5 करोड़ की लिमिट थी। अब आपने कहा चलो 10-1 में नहीं आए तो 10-2A में आके चेक करती हूं, तो बेटा 10-2A में तो 50 लाख की ही लिमिट है, ये भी तो सोचो। तो प्रैक्टिकली मैं आपको बताऊं, तो सिर्फ स्मॉल सर्विस प्रोवाइडर्स ही हैं, जो यहां पर आ पाते हैं। ओके, हम कुछ और बोल रही थी, वो टोबैको वाला, वो सेम पॉइंट यहां पर भी है, टोबैको वाला अलाउड नहीं है, ये देखो वो देखो, अपनी अपनी काम की चीज की उसको चिंता हो रही है कि काम टोबैको का, टोबैको यहां पर भी अलाउड नहीं है तनिषा आजकल, मतलब भोपू तुमने सबको बिगाड़ रखा है अपने साथ, मतलब कह रहे हैं सर घूम फिर कर जब भी तंबाकू की बात होती है आप मेरे ऊपर आ ही जाते हो। हाँ जी दोस्तों, छोटू को बिगाड़ दिया भोपू ने, अरे बस यही है, सब गड़बड़ काम कर दी यार। मार्जिनल सप्लाई ऑफ सर्विसेज रीजन से बाहर हुआ तो
यहाँ आ सकता है सर, बिल्कुल हुआ आ सकता है तनवर भाई, लेकिन प्रिसीडिंग ईयर का टर्नओवर 50 लाख से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। ओके आ जाओ भाई, द लास्ट पॉइंट दोस्तों, द लास्ट पॉइंट, द रजिस्टर्ड पर्सन ऑप्टिंग टू पे टैक्स अंडर सेक्शन 10(2)(a) शैल बी लाइबल टू पे 3% CGST, 3% SGST, UTGST फॉर द फर्स्ट सप्लाईज अप टू 50 लाख रुपीज ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल। ये बात बिल्कुल सही बात है। रिवर्स चार्ज में जो टैक्स लगता है उस पर कॉम्पोजिशन मत लगा देना। रिवर्स चार्ज में जो टैक्स लगता है उतना ही जाकर पे करना पड़ेगा, इस चीज का ध्यान रखना। रिवर्स चार्ज में आप लोग ऐसा नहीं कर सकते, जो रिवर्स चार्ज में लगा कह रहे, रिवर्स चार्ज में कितना लगता है कह रहे 12%, कह रहे जाने दे 12%, कॉम्पोजिशन में तो 5 ही लगता है या 6 ही लगता है या 1 ही लगता है ना। जो 9394 में आता है, जो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में आता है, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म 9394 इज अबव, 9394 इज अबव सेक्शन 10(1), 10(2), 10(2)(a)। ओके गाइस, अब पॉइंट बड़ा अच्छा आता है। अगर कोई इंसान बिजनेस चालू करता है, एवरीबॉडी प्लीज अंडरस्टैंड दिस पॉइंट, अगर कोई इंसान बिजनेस चालू करता है, अगर कोई इंसान बिजनेस चालू करता है या अपना ये प्रोफेशनल चालू करता है, लेट्स से मैंने कोचिंग सेंटर खोला तो मेरा टर्नओवर तो अभी जीरो, तो जीरो से लेकर जिस भी स्टेट में मैं हूं, लेट्स से 20 लाख रुपीज तक, तो मुझे जीएसटी के अंदर ही आने की जरूरत नहीं है। 20 लाख रुपीज तक मुझे जीएसटी के अंदर आने की जरूरत नहीं है, बिकॉज दैट इज माई थ्रेशोल्ड लिमिट फॉर रजिस्ट्रेशन। कई स्टेट्स में 40 लाख भी होती है, करेक्ट, यस और नो? कई स्टेट्स में 40 लाख भी होती है, यस और नो? अरे क्या, हाँ हाँ कर रहे हो। सर्विसेज में कब से 40 लाख हो गई? रेशमा, निशान, खुशी, प्रांशु, तनिषा, कह रहे हाँ। अरे वहां ओनली गुड्स का काम करते हो, एक्सक्लूसिवली गुड्स का काम करते हो, तब अलाउ किया जाता है? हाँ कर देते हो हर चीज में। तो दोस्तों सर्विसेज के केस में इट विल ईदर बी 10 लाख फॉर MMTN, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, और बाकी के लिए 20 लाख। 20 लाख तक दोस्तों नो रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड, 20 लाख तक नो जीएसटी, 20 लाख पर मैंने रजिस्ट्रेशन करवाया। अब 20 लाख से 50 लाख तक, 20 लाख से 50 लाख तक क्या लगेगा दोस्तों? 20 लाख से 50 लाख तक कॉम्पोजिशन लेवी, मतलब अगले 30 लाख पर 6% है, 3% CGST, 3% SGST, और 50 लाख के बाद क्या आप नॉर्मल स्कीम में आ जाओगे? क्या आप नॉर्मल स्कीम में आ जाओगे? द आंसर इज यस, आप 50 लाख के बाद नॉर्मल स्कीम में आएंगे। एवरीबडी क्लियर अबाउट इट? एवरीबडी क्लियर अबाउट इट? वेल डन। इन कंप्यूटिंग एग्रीगेट टर्नओवर इन ऑर्डर टू डिटरमाइन एलिजिबिलिटी ऑफ अ रजिस्टर्ड पर्सन टू पे टैक्स एट अ कंसेशनल रेट, वो ही एग्जेम्प्ट सप्लाई, जो कि दोस्तों इंटरेस्ट वाला पॉइंट था ना वहां पर, इंटरेस्ट ऑन लोन वाला, वो भी यहां पर सेम एप्लीकेबल होगा। नेक्स्ट फ्यू ऑफ द पॉइंट्स, कॉम्पोजिशन टैक्सेबल पर्सन लिखना पड़ेगा अपने इनवॉइस पर, अपने बिल ऑफ सप्लाई पर, जहां जहां दोस्तों आप लोगों के बोर्ड लगे हुए, होर्डिंग्स लगे हुए। आपके माथे पे तो आप टैटू नहीं करवा लेते, कॉम्पोजिशन स्कीम CS, फिर अगले साल कॉम्पोजिशन स्कीम में नहीं आए तो क्रॉस लगवा देंगे। उसी लाइन पर कॉम्पोजिशन स्कीम तो लिखा ही था, कांटा लगवा देंगे, और फिर उसके अगले साल, तो उसके अगले साल सर माथे पे टेप लगा के रखेंगे, फिर टेप के ऊपर कॉम्पोजिशन स्कीम लिख देंगे। पागल कहीं, सामने वाले को थोड़े ना पता है। हाँ जी गाइस आ जाओ भाई, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये वही पॉइंट है दोस्तों जो मैंने अभी आपको पढ़ाया। कहते हैं फर्स्ट सप्लाईज ऑफ गुड्स और सर्विसेज आर बोथ शैल फॉर द पर्पस ऑफ डिटरमाइनिंग एलिजिबिलिटी ऑफ द पर्सन टू पे टैक्स अंडर दिस सेक्शन शैल इंक्लूड टर्नओवर द सप्लाईज फ्रॉम 1 अप्रैल टू अ फाइनेंशियल ईयर टू द डेट फ्रॉम व्हिच ही बिकम्स लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन। गाइस ऐसा कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए
कि 0 से 20 लाख तक के टर्नओवर को इग्नोर कर दिया जाए, 0 से 20 लाख तक के टर्नओवर पर जीएसटी नहीं है, लेकिन आफ्टर ऑल क्या वो टर्नओवर ही नहीं है? नहीं नहीं सर, टर्नओवर तो है। तो जीरो, अगर 20 लाख से आप 60 लाख पर पहुंचे, तो कई बार इंटरप्रिटेशन ये हो गया कि 20 लाख से 60 लाख, मतलब अगले 40 लाख पर आपका कॉम्पोजिशन स्कीम जाएगा अंडर सेक्शन 10(2)(a), क्योंकि 50 लाख यहां से चालू होते हैं। बिल्कुल गलत। अच्छा नहीं नहीं सर, ऐसा नहीं सोच रहे थे हम, ये सोच रहे थे 20 लाख से लेकर 50 लाख तक तो कॉम्पोजिशन स्कीम, और 50 लाख से लेकर अगले 10 लाख पर नॉर्मल स्कीम। मैंने कहा हाँ ये सही है, लेकिन सर अगले साल तो हम कॉम्पोजिशन स्कीम अंडर सेक्शन 10(2)(a) फॉलो कर सकते हैं ना? मैंने कहा नहीं। कह रहे क्या बात कर रहे हो, पिछले साल का टर्नओवर तो 40 लाख है। मैंने कहा 40 लाख नहीं है, 60 लाख ही है। हाँ ऑल राइट, आ जाओ भाई। सेक्शन 10(3) क्या बोलता है? जैसे ही आप अपने लिमिट पर पहुंचेंगे, चाहे वो 1.5 करोड़ हो सेक्शन 10(1) वाली, चाहे 75 लाख हो सेक्शन 10(1) वाली, या फिर 50 लाख हो सेक्शन 10(2)(a) वाली, उसके बाद आपको नॉर्मल स्कीम में आना पड़ेगा। उसके बाद आपको नॉर्मल स्कीम में आना पड़ेगा। कहते हैं द ऑप्शन अवेल्ड बाय रजिस्टर्ड पर्सन अंडर सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 2 शैल लैप्स, गिर जाएगी विद इफेक्ट फ्रॉम द डे ऑन विच द एग्रीगेट टर्नओवर ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर एक्सीड्स द लिमिट स्पेसिफाइड। विड्रॉल फ्रॉम कॉम्पोजिशन स्कीम, आ जाओ भाई। आप कॉम्पोजिशन स्कीम से विड्रॉ कर रहे हैं। कॉम्पोजिशन स्कीम से दोस्तों 2-3 वजह से विड्रॉ हो सकता है, आपके सामने लिखा हुआ है। पहला रीजन, जब आप अपने वो थ्रेशोल्ड लिमिट फॉर रजिस्ट्रेशन पर पहुंच गए, आपने इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स कर दिया है, आपने मार्जिनल सप्लाई ऑफ सर्विसेज से ज्यादा सर्विसेज कर दी, आपने ईसीओ के थ्रू सामान बेचने लग गए, मतलब एनी टर्म्स एंड कंडीशन विच आर एनलिस्टेड आर नाउ इन डिसएग्रीमेंट, वो सेटिस्फाइड नहीं है, कंडीशन का उल्लंघन हो गया, कंडीशन तोड़ दिया आपने, तो क्या आप नॉर्मल स्कीम में आ जाएंगे? यस। और विद इन 7 डेज आपको इंटिमेट करना होगा किसे? प्रॉपर ऑफिसर को ऑन द पोर्टल कि भाई मैं कॉम्पोजिशन स्कीम से बाहर आ गया हूं और नॉर्मल स्कीम में आ गया। इफेक्टिव डेट ऑफ विड्रॉल शैल बी फ्रॉम द डेट इंडिकेटेड इन द इंटिमेशन। कॉम्पोजिशन स्कीम से क्या इंटेंशनली भी बाहर आ सकते हैं? अभी मेरा टर्नओवर 15 लाख है या 25 लाख ही है, पहुंचा हूं, मेरे को किसी ने आके बोला भाई तू कॉम्पोजिशन स्कीम क्यों फॉलो कर रहा है? मैंने कहा कॉम्पोजिशन स्कीम फॉलो करने के फायदे हैं। कहते हैं क्या फायदे हैं? कहते हैं आपको हर 3 महीने में जाकर टैक्स पे करना पड़ता है। अरे भाई तूने 3 महीने में पे करे या 1 महीने में पे करे, तूने उसके लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट हायर कर रखा है ना, तूने प्रोफेशनल्स हायर कर रखे हैं ना, तू उन्हें क्या हर 3 महीने में पगार देता है? पगार तो महीने भर महीने ही देता है, तो करवा उनसे काम। अरे तो फायदा क्या है, जबरदस्ती क्यों करवाओ? कह रहे हैं ये फायदा है कि तेरे को आईटीसी का बेनिफिट लेने का फायदा मिलेगा। मैंने कहा आईटीसी का बेनिफिट लेने का फायदा क्या? कहते हैं अरे तू अपना पूरा बर्डन ट्रांसफर कर पाएगा सामने वाले पर। मैंने कहा अरे हाँ, अभी जो भी टर्नओवर होता है, मेरी बात ध्यान से सुन लो, जो भी टर्नओवर होता है, टर्नओवर पर जो भी टैक्स बनता है, जो भी टर्नओवर होता है, टर्नओवर पर जो भी टैक्स बनता है डिपेंडिंग अपॉन द परसेंटेज, वो क्या आज मैं अपनी जेब से नहीं देता? वो क्या मैं आज अपनी जेब से नहीं देता? हाँ सर, आप अपनी जेब से ही तो देते हो, और उसका बर्डन मेरे ऊपर ही है, उसका बर्डन मेरे ऊपर है, वो बर्डन थोड़े ना मैं किसी पर शिफ्ट कर सकता हूं, क्योंकि मैं आगे से टैक्स तो कलेक्ट कर ही नहीं रहा था। तो मैंने कहा यार मैं तो अब कॉम्पोजिशन स्कीम फॉलो कर चुका हूं, अब मैं बीच में से कैसे बाहर निकलूं? अच्छा नहीं लगेगा। ससुराल पक्ष के हैं क्या, अच्छा नहीं लगेगा? आप क्या सामने जाके खबर कर सकते हो कि अब मैं कॉम्पोजिशन स्कीम नहीं, मैं नॉर्मली फॉलो करना चाहता हूं? यस, आप इंटेंशनली भी बाहर निकल सकते हो। और कॉम्पोजिशन स्कीम डिनाइड बाय टैक्स अथॉरिटीज,
प्रॉपर ऑफिसर को पता चला आपको कॉम्पोजिशन स्कीम अलाउड ही नहीं थी, आप फिर भी अलाउ करके बैठे हुए, आपने इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स कर दिया, उसके बाद भी आप कॉम्पोजिशन स्कीम में। तो प्रॉपर ऑफिसर को अगर ऐसा लगता है वेयर द पीओ बिलीव दैट द रजिस्टर्ड पर्सन वॉज नॉट एलिजिबल फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम और हैज कॉन्ट्रावेंड द प्रोविजन, हे मे इशू अ एससीएन शो कॉज नोटिस। क्या इशू करेगा दोस्तों? शो कॉज नोटिस क्या होता है कि आप बताइए कि आपको कॉम्पोजिशन स्कीम अलाउड नहीं थी, आपने क्यों फॉलो कर रखी और हम क्यों आपको धक्का मार के कॉम्पोजिशन स्कीम से बाहर ना कर दे। तो उसका रिप्लाई करेगा असेसी, अपॉन रिसीट ऑफ द रिप्लाई ही शैल पास एन ऑर्डर ईदर एक्सेप्टिंग द रिप्लाई और डिनाइंग द ऑप्शन टू पे टैक्स अंडर कॉम्पोजिशन स्कीम। If denied, effective date of denial shall be the date including any retrospective date. और क्या ITC की details दोस्तों 30 दिन के अंदर अंदर देनी पड़ेंगी? The answer is yes, देनी पड़ेंगी। Section 10(4) पहली चीज, ना तो आप टैक्स कलेक्ट करेंगे ना आपको ITC का बेनिफिट मिलेगा। ना तो आप टैक्स कलेक्ट करेंगे ना आपको ITC का बेनिफिट मिलेगा। और दोस्तों 10(5) कहते हैं अगर आपने सेक्शन 10(1), 10(2A में टैक्स पे किया डिस्पाइट नॉट बीइंग एलिजिबल, यू वर नॉट अलाउड टू फॉलो दिस, हाउएवर आपने गलती करी, आपने 10(1), 10(2) कॉम्पोजिशन स्कीम फॉलो करी, तो क्या आपके ऊपर पेनल्टी एंड प्रोविजन लगाए जा सकते हैं अंडर सेक्शन 73 एंड 74? द आंसर इज यस, जो कि आप फाइनल लेवल पर पढ़ेंगे। क्या मजा आया दोस्तों इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड कॉम्पोजिशन लेवी? मजा आया? हाँ या ना गाइस? परफेक्ट, आ जाओ भाई आगे बढ़ते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले। एग्जेम्पशंस फ्रॉम जीएसटी, नॉर्मल से कॉम्पोजिशन ऑप्ट से आईटीसी कैरी होगा सर? नहीं बेटा, नॉर्मल से कॉम्पोजिशन में आ गए तो आईटीसी कैरी कहां करोगे बेटा? आईटीसी लैप्स होगा ना सर? जब आप नॉर्मल से, चलो रेशमा आपका पॉइंट अच्छा आया, जब आप नॉर्मल से कॉम्पोजिशन स्कीम में जाते हो तो आपके पास जितना स्टॉक सेमी फिनिश गुड्स, फिनिश गुड्स हेल्ड इन स्टॉक एंड कैपिटल गुड्स आल्सो, जिस पर प्रोपोर्शनेटली ऑन द बेसिस ऑफ 60 मंथ्स, क्या अपन रिवर्स करते हैं? रिवर्स करते हैं? आपने नॉर्मल से कॉम्पोजिशन में जा रहे हो, रेशमा आपसे जानना चाहूंगा रिवर्स करते हैं? हाँ जी सर रिवर्स करते हैं। रिवर्स करने पर हमारी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी निकल कर आती है कि हमें जाके सरकार को देना, उस आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में से आप अपना आईटीसी जो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम है वो आप यूज कर सकते हो, बचा हुआ आप आउटपुट टैक्स लायबिलिटी सरकार को पे करोगे। अब आपका कहना ये है कि सर अगर हमारा इनपुट टैक्स क्रेडिट इज मोर देन द आउटपुट टैक्स लायबिलिटी, इनपुट टैक्स क्रेडिट इज मोर देन द आउटपुट टैक्स लायबिलिटी, तो क्या होगा? हमने सेट ऑफ कर दिया, अब उसके बाद भी आईटीसी बैलेंस का क्या होगा? द बैलेंस शैल लैप्स, बैलेंस लैप्स कर जाएगा, वो अलाउड नहीं होगा कैरी फॉरवर्ड करना। ऑलराइट रेशमा? ऑलराइट, ओके गाइस। बच्चन साहब दोस्तों आज बहुत ही अच्छी बात बोलते हैं, कहते हैं चेंज इज द नेचर ऑफ लाइफ but challenge is the future of life, so never challenge the changes, never change the challenges, never change the challenges। ye kya likh diya last mein bachchan sahab aapne? never change the challenges, so challenge the change, acha okay, so challenge the changes, never change the challenges, basically bachchan sahab is trying to convey कि भाई साहब चेंज इज द ओनली कॉन्स्टेंट थिंग इन द वर्ल्ड, अडैप्ट टू इट,
कई बार हम दोस्तों में आप लोगों को आज ना ऐसे ही मैं कहते हैं ना दोस्तों अपन नहाते नहाते खूब गाना गाते हैं, होता है कि नहीं, जोर जोर से गाना गाते हैं, आप लोग भी गाते होंगे, मैं भी गाता हूं दोस्तों। लेकिन आज मैं अपने आप से ऐसे ही सोच रहा था कि मैं जब बच्चों से जल्द ही फेस टू फेस एक बार मिलना चाहूंगा और बच्चों को मोटिवेट करना चाहूंगा, उनसे बातचीत करना चाहूंगा, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, तो मैं उनसे क्या बातचीत करूंगा। और आज मैं जो सोच रहा था कि जब भी मैं बच्चों से मिलूंगा, दे ऑलवेज एक्सपेक्ट कि जो हमारे मेंटोर्स होते हैं वो हमें मोटिवेट करेंगे। मैं भी एक्सपेक्ट करता हूँ कि मेंटोर्स जो होंगे ना अच्छी अच्छी बात करेंगे, हमारे में पॉजिटिव एनर्जी डालेंगे, हम उनसे बात करते हैं तो अच्छा लगता है, पॉजिटिव फील होता है, दैट देयर इज समवन टू गाइड अस, देयर इज समवन टू हेल्प अस, सही बात है कि नहीं। तो इन दैट केस मेरा आज का जो सोच था वो मैं आपके साथ एक मिनट शेयर कर लेता हूं। और मैंने यही सोचा था कि हम आदत हो जाती है टू स्टे इनटू आवर कंफर्ट जोन। कंफर्ट जोन मतलब हम अपने परिवार वालों के साथ रहना चाहते हैं, वहां हम सेफ एंड साउंड फील करते हैं, देयर इज ऑलवेज समवन टू हेल्प अस इन आवर डिसीजन मेकिंग। हमें डिसीजन लेना है, मम्मी से बात कर ली, पापा से बात कर ली, भाई से बात कर ली, और पांच सात अच्छे दोस्त है उनसे बात कर ली। बट क्या आप लोगों को लगता है कि ये जितने भी लोग हैं वो जिंदगी के हर पड़ाव पर आपके साथ होंगे, आपको गाइड करने के लिए या आपको पुश करने के लिए? द आंसर इज नो। हर पड़ाव पर माता पिता साथ रहे नहीं रहे, दोस्त बदल जाते हैं हालातों के साथ साथ। ये बात आप आज जितना जल्दी समझ लो उतना अच्छा है। तो अपनी जिंदगी में कोई नई चीज आए और एकदम से आपके रेगुलर लाइफ को वो हिट करती है तो हम परेशान हो जाते हैं, हम घबराने लग जाते हैं, सही बात है कि नहीं। और एक बहुत ह्यूमन टेंडेंसी और नॉर्मल ह्यूमन टेंडेंसी है। और जो इंसान उसको जब हिट होता है तो ईदर यू टेक इट एज अ प्रॉब्लम और ईदर यू टेक इट एज एन अपॉर्चुनिटी, इधर यू टेक दैट एज एन ऑब्स्टिकल और या एक अपॉर्चुनिटी जो आपको मौका देती है, एक अपॉर्चुनिटी जो आपको मौका देती है टू इवॉल्व, टू बी बेटर। आपको जिंदगी में कोई नए लोग मिले, टॉक टू देम, लर्न फ्रॉम देम। आपको जिंदगी में नए ऑब्स्टिकल मिले दोस्तों, समझना आप इवॉल्व हो रहे हो। लोहे को दोस्तों मोड़ने के लिए, ऐसे करने के लिए दोस्तों गर्म करना पड़ता है, तभी वो टर्न होता है। ऑलराइट, तो प्लीज मेक श्योर आप लोग दोस्तों You are evolving. You are not stopping yourself. सब 14 से आ रहे हैं, हम भी वार्म बैच में, शाबाश अनुज। हाँ जी दोस्तों, आ जाओ भाई। पावर टू ग्रांट exemptions फ्रॉम टैक्स, पावर टू ग्रांट exemptions फ्रॉम टैक्स। सेक्शन 11(1) ने कहा कि हम चाहें तो कुछ गुड्स या सर्विसेज विच आर ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट उन्हें एग्जेम्प्ट कर सकते हैं, ईदर एब्सोल्युटली मतलब विद नो कंडीशन व्हाटसोएवर और सब्जेक्ट टू सच कंडीशंस, मतलब कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस लगाकर। ऑलराइट गाइस, ठीक है भाई। आज तक देखो कभी भी सेक्शन 11 से कुछ नहीं पूछा गया, आज तक नहीं पूछा गया, ना वन मार्कर में पूछा गया ना फोर मार्कर में पूछा गया, लेकिन फिर भी मेरी ये ड्यूटी है कि मैं आपको पूरा कराऊं। सेक्शन 11(2) कहता है स्पेशल ऑर्डर, अभी दे दूंगा रेशमा, आज के सेशन खत्म होने से पहले दे दूंगा, वादा रहा बेटा। ओके बेटा, where the government is satisfied that it is necessary in the public interest so to do, दोस्तों special order pass किया जाता है of circumstances of exceptional nature,
फ्लड आ गया, सुनामी आ गया है, तो इन ऑर्डर टू रिवाइव दैट रीजन जहां पर ये नेचुरल कैलामिटी हुई, सरकार फॉर द टाइम बीइंग कुछ गुड सर्विसेज या सारे गुड सर्विसेज एज मे बी नोटिफाइड इन दिस स्पेशल ऑर्डर मेंशन कर देती है कि भाई हम जीएसटी नहीं लगाएंगे। फिर आता है 11(3). 11(3) क्या बोलता है? 11(3) क्या बोलता है? 11(3) बहुत ही अच्छी आसान सी बात बोलता है, और 11(3) कहता है कि भाई साहब अगर कोई भी क्लैरिफिकेशन देनी होती है सरकार को, तो सरकार जब जब स्पेशल ऑर्डर या जब जब नोटिफिकेशन आती है, तो उसके 1 साल के अंदर अंदर, 1 साल के अंदर अंदर वो एक्सप्लेनेशन दे देते हैं, वो क्लैरिफिकेशन दे देते हैं। तो जो 1 साल के अंदर अंदर एक्सप्लेनेशन दी गई, माना जाएगा कि ये एक्सप्लेनेशन उसी दिन आ गई थी जिस दिन नोटिफिकेशन या स्पेशल ऑर्डर पेश हुआ। ऑल राइट गाइस, मतलब इट विल हैव रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। आ जाओ भाई, सर्विसेज एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। एवरीबॉडी, 1 घंटा हो चुका है पूरा, कैसा रहा पहला 1 घंटा आप लोगों का? आसम पासम, मस्ती भरा, शाबाश। ऐसे ही दोस्तों अपन मेहनत करते रहेंगे, 1 घंटा और एनर्जी लगानी है, फिर 1 घंटे का ब्रेक है। ये सोचो 1 घंटे का ब्रेक है, 1 घंटा मस्ती करेंगे, 1 घंटा खाना खाएंगे, मतलब ऑफ कोर्स 1 घंटा खाना नहीं खाते रहोगे, 1 घंटे में खाना खाएंगे, बैठेंगे, टीवी देखेंगे, कुछ भी करेंगे, फिर 9:30 बजे मिलेंगे, फिर 9:30 बजे मिलेंगे। भूपेश सिंह, पता भी नहीं चला कब निकल गया। यस बिल्कुल, चलो जी बढ़ते हैं। नोटिफिकेशन नंबर 12/2017 हैज एग्जेम्प्टेड वेरियस सर्विसेज होली फ्रॉम जीएसटी, सीजीएसटी, चैरिटेबल एंड अदर रिलीजियस एक्टिविटी रिलेटेड सर्विसेज। दोस्तों देयर आर एन नंबर ऑफ सर्विसेज, एंड बिकॉज आई कैन नॉट गो वेरी वेरी डीप इनटू एवरी पर्टिकुलर सर्विस, अदरवाइज फॉर द नेक्स्ट 4 आवर्स वी विल बी ऑन टू दिस चैप्टर, बिकॉज यू गाइज योर सेल्फ नो हाउ बिग दिस चैप्टर इज एंड हाउ लेंथी वन सर्विस कैन बी। तो व्हाट आई एम गोना डू इज फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि हम आज रिवाइज कर रहे हैं, आई विल स्टिक टू ओनली, मैं उतना ही डीप जाऊंगा जितना जरूरी है, जितना जरूरी है। मैं बिल्कुल लिटरल इंटरप्रिटेशन और बिल्कुल डिटेल अंडरस्टैंडिंग विद टीटू कीकू की कहानी, मोदी जी कमिंग इन, दैट इज व्हाट आई एम गोना रिस्ट्रिक्ट माय सेल्फ। मुझे लगता है कि जरूरत है तो आई विल आस्क मोदी जी टू कम एंड हेल्प यू आउट। लेकिन आप लोगों को ये समझना जरूरी है कि अगर हमें 1 घंटे में पूरा चैप्टर खत्म करना है, मैं कहता हूँ चलो 1 घंटे में नहीं, 2 घंटे में, 1 घंटा अभी ले लो, 1 घंटा बाद का ले लेना, लेकिन क्या उसके अंदर अंदर कहीं ना कहीं हमें इस लेवल तक तो पहुंचना होगा ना दोस्तों? पता चले मैं पहली सर्विसेज पर ही रह गया। आ जाओ भाई, सर्विसेज बाय एन एंटिटी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 12AA ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961 बाय वे ऑफ चैरिटेबल एक्टिविटीज। दोस्तों सेक्शन 12AA में एंटिटी रजिस्टर्ड है, तो सबसे पहला एंटिटी सेक्शन 12AA में रजिस्टर्ड होगी तो पहली कंडीशन पूरी होगी, मतलब वो चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन कहलाएगी। अब चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन को चैरिटेबल एक्टिविटी करनी पड़ेगी तभी तो काम बनेगा ना। अगर कोई नॉन चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, आई एम रिपीटिंग माय पॉइंट, लिसन टू मी वेरी वेरी केयरफुली, अ नॉन चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइडिंग चैरिटेबल सर्विसेज, जीएसटी लगेगा। अ चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइडिंग टैक्सेबल सर्विसेज या नॉन चैरिटेबल सर्विसेज, जीएसटी लगेगा। समझ में आया? अ चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइडिंग चैरिटेबल एक्टिविटीज, अ चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए, अ चैरिटेबल सर्विसेज प्रोवाइड होनी चाहिए, तभी दोस्तों इन दैट केस, तभी दोस्तों इन दैट केस जीएसटी 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 नहीं लगेगा। ऑल राइट, एग्जेम्प्ट कर दिया जाएगा। अब दोस्तों चैरिटेबल एक्टिविटीज में क्या क्या आता है? पब्लिक हेल्थ केयर एंड काउंसलिंग ऑफ टर्मिनली इल पर्संस और पर्संस विद सीवियर फिजिकल और मेंटल डिसेबिलिटी, एचआईवी और एड्स, या पर्संस एडिक्टेड टू डिपेंडेंस फॉर्मिंग सब्सटेंस, जैसे कि हमारी तनीषा, नार्कोटिक ड्रग्स और एल्कोहल, जैसे वो कह नहीं रही थी तमाकू तमाकू,
बावली हो गई थी। हाँ जी भूपेश को लग रहा है पहली बार मैं बच गया। अरे सर मेरा नाम फिर भी ले ही लिया आपने। हाँ जी गाइस, पब्लिक अवेयरनेस ऑफ प्रिवेंटिव हेल्थ, फैमिली प्लानिंग और प्रिवेंशन ऑफ एचआईवी इंफेक्शन, ये सब क्या है दोस्तों? ये सब क्या है? ये सब चैरिटेबल एक्टिविटी है। एडवांसमेंट ऑफ रिलीजन, स्पिरिचुअलिटी और योगा, दोस्तों रिलीजन, स्पिरिचुअलिटी, योगा, इन सब में बढ़ोतरी करवा रहे हैं दोस्तों। तो इन दैट केस क्या कंसिडर किया जाएगा? व्हाट विल दैट बी कंसिडर टू बी अ चैरिटेबल एक्टिविटी? लेकिन दोस्तों एक कोई कैंप है, मस्ती भरा कैंप, जिसमें सुबह उठ के योगा करवाते हैं, तो ये नहीं बोल सकते हमने योगा के लिए कैंप रखा है। कैंप था, उसमें योगा हुआ है। जहां पर मेन पर्पस आपका स्पिरिचुअलिटी, योगा, रिलीजन होगा, वो माफ है। लेकिन दोस्तों अ मस्ती भरा कैंप, अ कैंप जिसमें प्री डोमिनेंट एलिमेंट इज रेसिडेंशियल, प्री डोमिनेंट एलिमेंट इज फूड, प्री डोमिनेंट एलिमेंट इज एंटरटेनमेंट, जीएसटी लगेगा। समझ में आया गाइस? एडवांसमेंट ऑफ एजुकेशनल प्रोग्राम, स्किल डेवलपमेंट करवा रहे हैं अबेंडेंट ऑर्फन, होमलेस चिल्ड्रन, फिजिकली और मेंटली अब्यूज, ट्रॉमेटाइज्ड पर्सन, प्रिजनर्स, ये 65 years और अबव, रिसाइडिंग इन अ रूरल एरिया। प्रिजर्वेशन ऑफ एनवायरमेंट, प्रिजर्वेशन ऑफ एनवायरमेंट या वॉटरशेड, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, इन सबको बचाने का काम कर रहे हैं, ये भी एक चैरिटेबल एक्टिविटी में आएगा। नो जीएसटी शैल बी लिवाइड, कोई भी जीएसटी इस पर लिवाइड नहीं किया जाएगा। कंडक्ट ऑफ, ये पॉइंट बड़ा अच्छा है, रिलीजियस सेरेमनी, घर पे पंडित जी आए उनको दक्षिणा दी, नो जीएसटी। रेंटिंग और प्रेसिंग्स ऑफ अ रिलीजियस प्लेस, अगर आपने किसी मंदिर, ट्रस्ट वगैरह का, जो कि सेक्शन 12AA में रजिस्टर्ड है, या जो कि सेक्शन 1023C5 या 1023BBA में ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961 में रजिस्टर्ड है, मतलब एज अ रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन है, मंदिर का ट्रस्ट है, तो क्या दोस्तों अगर मंदिर में जाके आपने कोई पूजा रखवाई, कोई हवन करवाया दोस्तों, तो क्या मंदिर वालों के पास जगह होती है तो वहीं आप लकड़ी लगाकर हवन चालू कर देते हो? नहीं, आपको मंदिर के ट्रस्ट से परमिशन लेनी पड़ती है। और क्या मंदिर का ट्रस्ट आपको परमिशन ऑन कंसिडरेशन देता है, पैसों पर देता है? द आंसर इज यस। तो कहते हैं, ध्यान से मेरी बात सुनना, अगर रूम के चार्जेस 1,000 रुपए या उससे ज्यादा का हुआ तो जीएसटी लगेगा। 999 तक हुआ जीएसटी नहीं लगेगा पर डे। रेंटिंग ऑफ प्रेमाइसेस, कम्युनिटी हॉल्स, कल्याण मंडपम, 10,000 रुपीज और मोर पर डे। अगर 10,000 रुपए या फिर उससे ज्यादा का हुआ, 10,000 रुपए या फिर उससे ज्यादा का हुआ, तो जीएसटी शैल बी लिवाइड, जीएसटी शैल बी लिवाइड। रेंटिंग ऑफ शॉप्स और अदर प्लेसेस फॉर बिजनेस और कॉमर्स वेयर चार्जेस आर 10,000 और मोर पर मंथ। आप देखते होंगे ऐसा भारत देश में कोई मंदिर नहीं है जिसके बाहर मिठाई की दुकान ना हो या फूलों की दुकान ना हो। सही बात है कि नहीं? प्रसाद, तो जो बाहर दुकान वाला है दोस्तों, क्या फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व होती है? जो सुबह 6 बजे आके पहले मिठाई वहां पे लगा ले वही बेचेगा आज के दिन? नहीं। ऑल राइट, तो वहां पर कितना है? 10,000 और मोर पर मंथ। अगर 10,000 या उससे ज्यादा का होगा टैक्सेबल, 10,000 से कम का होगा नॉट टैक्सेबल। अमाउंट चार्ज फॉर द कंडक्ट ऑफ एनी रिलीजियस सेरेमनी, जैसे कि दोस्तों ये एग्जांपल्स हैं, बस बात खत्म। नेक्स्ट, हॉस्टल अकोमोडेशन बाय ट्रस्ट टू स्टूडेंट्स, हॉस्टल अकोमोडेशन बाय ट्रस्ट टू स्टूडेंट्स कहां तक माफ है? अगर उनका वैल्यू ऑफ सप्लाई अप टू 1,000 पर डे, यहां पर 1,000 तक माफ है। एग्जैक्टली 1,000 हुआ माफ, और यहां पर 999 है, ध्यान रखना। एवरीबडी अंडरस्टैंडिंग? तो रिलीजियस प्लेस में ध्यान रखना, रिलीजियस वाले प्लेस में ध्यान रखना, वहां पर 1,000 हुआ जीएसटी लग जाएगा, 999 हुआ बच जाओगे, 1,000 हुआ लग जाएगा। आ जाओ भाई, रिलीजियस पिलग्रिमेज अंडर बायलैटरल अग्रीमेंट, जिसमें आता है हज कमिटी, दो ही अभी तक इस वाली कैटेगरी में आते हैं, कुमाऊं मंडल विकास निगम लिमिटेड के साथ कुछ भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, माफ। सर्विसेज बाय वे ऑफ ट्रेनिंग और कोचिंग इन रिक्रिएशनल एक्टिविटीज रिलेटिंग टू आर्ट्स, स्पोर्ट्स एंड कल्चर, माफ है। लेकिन ध्यान रखना, ये ट्रस्ट
प्रोवाइडेड कर रहे हैं जो कि सेक्शन 12 ए में रजिस्टर्ड है, मतलब चैरिटेबल ट्रस्ट होने चाहिए। पहला पॉइंट खत्म। नेक्स्ट, एग्रीकल्चरल रिलेटेड सर्विसेज। एग्रीकल्चरल रिलेटेड सर्विसेज, सर्विसेज बाय वे ऑफ लोडिंग अनलोडिंग पैकेज स्टोरेज वेयर हाउसिंग ऑफ राइस माफ, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस इन ऑर्डर टू सपोर्ट ट्राइबल पीपल माफ, स्टोरेज वेयर हाउसिंग ऑफ सीरियल्स पल्सेस फ्रूट्स नट्स एंड वेजिटेबल्स स्पाइसेस कोपरा शुगर केन जैगरी रॉ मटेरियल फाइबर सच एज कॉटन फ्लेक्स जूट इंडिगो अनमैन्युफैक्चर्ड टोबैको बीटल लीव्स तेंदू लीव्स कॉफी टी माफ। क्या बात कर रहे हो, तमाकू माफ? अरे तमाकू माफ नहीं है, तमाकू का स्टोरेज वेयर हाउसिंग माफ है। तनिषा देखो, देखा देखा, जो बच्चों को लगता है ना, कहते हैं अब तो मेरा प्रोडक्ट सस्ता पड़ेगा। हाँ जी दोस्तों, छोटू फिर कुछ दोस्तों, तमाकू माफ नहीं है, तमाकू की वेयर हाउसिंग माफ है, वो भी अनमैन्युफैक्चर्ड टोबैको। इस चीज का ध्यान रखना, अनमैन्युफैक्चर्ड टोबैको। एवरीबडी क्लियर अबाउट इट? एवरीबडी क्लियर अबाउट इट? नेक्स्ट, सर्विसेज बाय वे ऑफ फ्यूमिगेशन इन अ वेयर हाउस ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। हाँ जी गाइस, फ्यूमिगेशन इन अ वेयर हाउस ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। फ्यूमिगेशन क्यों करते हैं दोस्तों? अपने प्रोडक्ट को पेस्ट से बचाने के लिए। पेस्ट क्या होता है दोस्तों? पेस्ट क्या होता है? पेस्ट 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 क्या होता है? कीड़ी, कीड़े। ओके आ जाओ भाई, नेक्स्ट। सर्विसेज रिलेटिंग टू कल्टिवेशन ऑफ प्लांट्स एंड रियरिंग ऑफ ऑल लाइफ फॉर्म्स ऑफ एनिमल्स। रियरिंग मतलब जानवर रखना, उनके बच्चों को पालना, बच्चे होना, बच्चे करवाना। दोस्तों जानवरों के, खुद के नहीं, खुद के बच्चे करना एग्रीकल्चरल एक्टिविटी हुई? ना ना ना, वो एग्रीकल्चरल एक्टिविटी नहीं है दोस्तों। जानवरों के, एक्सेप्ट द रियरिंग ऑफ हॉर्सेस। घोड़ों वालों को अलाउड नहीं है, क्योंकि घोड़े वाले, बिकॉज दे आर यूज फॉर द पर्पस ऑफ रेसेस, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डज नॉट सपोर्ट दैट। ऑल राइट, तो एक्सेप्ट रियरिंग ऑफ हॉर्सेस दोस्तों। बाकी सारे जानवर अब चालू मत हो जाना सर, अब चालू मत हो जाना। ऊंट का अलाउड है क्या? हाथी का अलाउड है क्या? चालू मत हो जाना। घोड़ों को छोड़कर सबको अलाउड है। हाँ जी दोस्तों, घोड़े और इंसान को छोड़। हाँ जी, एग्रीकल्चरल ऑपरेशंस डायरेक्टली रिलेटेड टू प्रोडक्शन ऑफ एनी एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस इंक्लूडिंग कल्टिवेशन, हार्वेस्टिंग, थ्रेशिंग, प्लांट प्रोटेक्शन और टेस्टिंग, सप्लाई ऑफ फार्म लेबर। सप्लाई ऑफ फार्म लेबर, फार्म लेबर क्या होता है दोस्तों? फार्म लेबर क्या होता है दोस्तों? आपका जो ये देखो पांडा, अरे संपूर्णा का एक बहुत बड़ा एग्रीकल्चरल फार्म है। अब अकेले तो वो पूरा का पूरा संभाल नहीं पाती, तो उसने फार्म लेबर को हायर पे लिया, मतलब 8-10 लोगों को हायर पे किया है, भाई मेरे खेत में काम करो, मैं तुम्हें पैसा दूंगी। तो उसे बोलते हैं सप्लाई ऑफ फार्म लेबर, नो जीएसटी। प्रोसेस कैरिड आउट एट एन एग्रीकल्चरल फार्म। दोस्तों मैं पहले ही बता दूं, मैं सोशल स्टडीज नहीं पढ़ा रहा हूं, आगे जाके ये मत पूछना सर प्रूनिंग का मतलब क्या होता है, गूगल बाबा की जय, वहां जाके पूछना। एग्रीकल्चरल एक्टिविटी है, एग्रीकल्चरल एक्टिविटी है, टेंडिंग, प्रूनिंग, कटिंग, हार्वेस्टिंग, ड्राइंग, क्लीनिंग, ट्रिमिंग, सन ड्राइंग, फ्यूमिगेटिंग, क्योरिंग, सॉर्टिंग, ग्रेडिंग, कूलिंग और बल्क पैकेजिंग एंड सच अदर लाइक ऑपरेशन विच डू नॉट ऑल्टर द एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। Which do not alter the essential characteristic. अब दोस्तों आप लोग घर पे कई बार, आज ही मैं मार्केट से ना एक गार्लिक का पेस्ट लाया, गार्लिक पेस्ट होता है ना, वेजिटेबल्स में डाल देते हैं सॉटे करने के लिए दोस्तों, मतलब सब्जी बनाने के टाइम काम आता है दोस्तों। अब मेरे को ये बताओ क्या उस पर जीएसटी लगेगा? अब मैंने बोला भाई यार गार्लिक, लहसुन, 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 तो क्या लहसुन लहसुन क्या चिल्ला रहे हो? अरे लहसुन को आपने जरा सा पिचका कर आपने एक उसमें डाल दिया, इसका मतलब ये तो ना जीएसटी लगेगा। कहते हैं नहीं राठी जी, इट हैज नाउ चेंज द एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक, बदल गया। ऐसे तो दोस्तों हमारा भूपेश भाई,
वो नहीं होते बच्चे जो सॉस बहुत चाटते हैं, कोई भी खाना हो सॉस चाहिए उन्हें, वो भेज भाई उनमें से, रोटी भी सॉस के साथ, मैगी भी सॉस के साथ, बताओ भाई। तो दोस्तों तो मुझे ये बताओ, अब ये तो कल को बोलेंगे अरे ये तो पिचके हुए टमाटर हैं, ये तो पिचके हुए टमाटर हैं, भूपेश भाई तो ये बोलना चालू हो गए। अब भाई टमाटर को मैंने पिचका दिया, अब उसके साथ मैं मैगी खाऊं कुछ भी खाऊं ये मेरी मर्जी, इस पे जीएसटी नहीं लगना चाहिए क्या? एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक बदल गया क्या? आप लोग मार्केट में जाकर कभी ऐसे बोलते हो अगर सॉस खरीदनी होती है पिचके हुए टमाटर दे देना? क्या कभी मार्केट में जाके जुनैद भाई आपने ऐसे बोला है? ट्राई नहीं किया? तनीषा कीजिएगा, वहीं से डायरेक्टली आपको असाइलम भेजा जाएगा, आपको बोला जाएगा रुकिए हम बुलाते हैं पागल खाने वालों को, वो आपको यहाँ से उठाकर लेकर जाएंगे। हाँ जी दोस्तों नेक्स्ट, रेंटिंग और लीजिंग ऑफ एग्रो मशीनरी, लोडिंग अनलोडिंग पैकिंग स्टोरेज ऑफ वेयर हाउसिंग ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन सर्विसेज जहां फार्मर्स वगैरह को ट्रेनिंग दी जाती है, ये सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एपीएमसीज। एपीएमसीज मतलब एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केटिंग कमिटी। ये दोस्तों जो मैंने यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 ये 7 पॉइंट पढ़ाए, उन्हीं को यहाँ पर डिटेल में समझाया गया है। मैं आप लोगों के साथ हिंदी में समझाते हुए जा रहा था, इसीलिए दोस्तों मैं इस पर और टाइम स्पेंड नहीं करूंगा। एंट्री नंबर 55, नोट्स मिल जाएंगे तो आप लोग खुद से भी पढ़ सकते हैं। एंट्री नंबर 55, हाँ जी दोस्तों ये पॉइंट बड़ा अच्छा है। एंट्री नंबर 55 कहता है कैरिंग आउट एन इंटरमीडिएट प्रोडक्शन प्रोसेस एज जॉब वर्क इन रिलेशन टू कल्टीवेशन ऑफ प्लांट्स एंड रियरिंग ऑफ ऑल लाइफ फॉर्म्स ऑफ एनिमल्स एक्सेप्ट द रियरिंग ऑफ हॉर्सेस फॉर फूड फाइबर फ्यूल रॉ मटेरियल एंड अदर सिमिलर प्रोडक्ट्स, अदर सिमिलर प्रोडक्ट्स। तो दोस्तों इंटरमीडिएट प्रोसेस मतलब इट इज लाइक अ जॉब वर्क, इट इज लाइक अ जॉब वर्क। ऑलराइट गाइस, कस्टम मिलिंग ऑफ पैडी इनटू राइस, ये आप पढ़ सकते हो दोस्तों। मैं आपको ये बता दूं दोस्तों, राइस राइस इज अ नॉन एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट, पैडी तक सरकार का मानना है एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट है, किसान करता है। जब पैडी से राइस करना होता है तो मिलर्स का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है, फैक्ट्री वालों का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है, तो फैक्ट्री वालों को हमारा कभी भी कोई इंटेंशन नहीं था कि उन्हें माफ किया जाए। नेक्स्ट, सर्विसेज बाय वे ऑफ आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन ऑफ लाइफ स्टॉक्स अदर देन हॉर्सेस। आप लोगों ने मूवी देखी है गुड न्यूज, वैसा ही कंसेप्ट इन जानवर, जहां दोस्तों मेल के रिप्रोडक्शन पॉइंट से दोस्तों लिविंग स्पर्म लेकर फीमेल जानवर के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में डाला जाता है एट प्रॉपर टाइम विद द हेल्प ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स, जिससे नॉर्मल बच्चा होता है। तो क्या दोस्तों ये भी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट, एग्रीकल्चरल रिलेटेड सर्विसेज में आ जाएगा? द आंसर इज यस, लेकिन यहां पर दोस्तों घोड़ों को बाहर रखा गया है। ऑल राइट, आ जाओ भाई। सर्विसेज बाय एन आर्टिस्ट, आप लोग कभी भी दोस्तों ऐसा पोस्ट ट्राई मत कर लीजिएगा, मेरे ख्याल से फिर आने वाली जिंदगी में आधे टाइम ऐसे ही रह जाएंगे। सुबह पता चले आप लोगों ने यहाँ ट्राई कर लिया। आयुश्री ऐसे लगा मत लेना बेटा, फंस जाओगी वहीं की वहीं। हाँ जी, अपनी आदत नहीं है बेटा। आ लिया, अरे आलिया आलिया क्या कर रहे हो, शादी हो गई अब तो मम्मी भी बनने वाली है आलिया जी, अब क्या आलिया आलिया कर रहे हो। हाँ जी आ जाओ भाई। एंट्री नंबर 78, एंट्री नंबर 78 गाइस, बहुत ही ज्यादा जोरदार पॉइंट। कहते हैं अगर फोक और क्लासिकल आर्ट फॉर्म्स, फोक और क्लासिकल आर्ट फॉर्म्स, म्यूजिक डांस थिएटर, म्यूजिक डांस थिएटर में दोस्तों जैसे कि रामलीला में वत्सल भाई हनुमान जी की सेना में सबसे आखिरी सेना थे और पहले ही युद्ध में मारे गए वत्सल भाई, तो क्या उनको उसके लिए पूरे 50 रुपए मिले? क्या 50 रुपए माफ है वत्सल भाई के लिए? द आंसर इज यस, क्योंकि दोस्तों जो रामलीला होती है क्या वो हमारे लिए क्लासिकल आर्ट फॉर्म ऑफ थिएटर है? क्लासिकल आर्ट फॉर्म ऑफ थिएटर, हाँ जी क्या क्लियर हुआ दोस्तों?
क्लासिकल आर्ट फॉर्म ऑफ म्यूजिक दोस्तों, जैसे वो नहीं होता है सा 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 नी 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 द द द प प प क क क म म म, ये भी दोस्तों ये म्यूजिक वाला हो गया। डांस वाला मैं करके नहीं दिखा सकता दोस्तों, मैं अटक जाऊंगा। जैसे कि भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, भांगड़ा, ये सब क्या है दोस्तों? डांस, ये सब डांस। लेकिन क्या कहा, 1.5 लाख रुपए तक, 1.5 लाख रुपए तक का कंसिडरेशन मिलेगा, 1.5 लाख रुपए तक का कंसिडरेशन मिलेगा तो माफ, खुशी करिए, करो ना प्लीज। नहीं बेटा, बेटा मुश्किल रहेगा। हाँ जी, हाउएवर इफ कंसिडरेशन फ्रॉम सच एक्टिविटीज एक्सीड 1.5 लाख रुपए, कंसिडरेशन 1.5 लाख रुपए से ज्यादा है, देन एंटायर कंसिडरेशन इज सब्जेक्ट टू जीएसटी। एंटायर फुल कंसिडरेशन इज सब्जेक्ट टू जीएसटी। एक्टिविटीज बाय एन आर्टिस्ट इन अदर आर्ट फॉर्म्स, इन अदर आर्ट फॉर्म्स जैसे कि वेस्टर्न म्यूजिक, डांस, मॉडर्न थिएटर, परफॉर्मेंस ऑफ एक्टर्स इन फिल्म्स, टेलीविजन सीरियल्स वुड बी टैक्सेबल। सीरियल्स वगैरह में काम कर रहे हैं, टैक्सेबल। स्टिल आर्ट फॉर्म, स्टिल आर्ट फॉर्म दोस्तों, आप ऐसे मूर्ति बने हुए खड़े हुए और सामने वाला आपकी पेंटिंग बना रहा है दोस्तों, टैक्सेबल। और ब्रांड एम्बेसडर है तो नो मैटर व्हाट द अमाउंट इज, टैक्सेबल, टैक्सेबल। नीचे करो जल्दी, लो बेटा नीचे कर दिया, आ जाओ दोस्तों। कह रहे, अरे ऊपर करो, ऊपर करो राटे जी, ऊपर करो। हाँ जी दोस्तों, इधर ध्यान दे दो, नीचे करो। वो आलिया वाला से एग्जाम्पल समझ में नहीं आएगा, आएगा भी नहीं बेटा, क्योंकि मैं जब पढ़ाऊंगा तुम्हारा ध्यान मेरी बात पे सुनने पर तो होगा ही नहीं, ऐसे करके बैठ जाना। हाँ जी दोस्तों, राइट टू एडमिशन टू वेरियस इवेंट्स, एंट्री नंबर 79। अगर आप म्यूजियम, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, टाइगर रिजर्व, जू, अगर खुशी जू गई है जुनैद को देखने, ओ सॉरी, जुनैद को देखने जू में क्यों जाएंगे, अगर खुशी और जुनैद दोनों जू में गए हैं तो इन दैट केस कोई भी चार्जेस लगे इट इज माफ। और देखना था ना, नीचे करो ऊपर करो नालायक। हाँ जी, इधर ध्यान देंगे। अगर आप किसी मॉन्यूमेंट को देखने गए हैं, मॉन्यूमेंट को देखने गए हैं दोस्तों, ताजमहल, कुतुब मीनार, टिकट खरीदी है, उसके लिए कोई जीएसटी नहीं लगेगा। हाँ जी दोस्तों, और एंट्री नंबर 81, सर्कस, डांस, थिएटरिकल परफॉर्मेंसेस इंक्लूडिंग ड्रामा और बैले, अवार्ड फंक्शन, कॉन्सर्ट, ट्यूशन, म्यूजिकल परफॉर्मेंस और एनी स्पोर्टिंग इवेंट अदर देन अ रिकॉग्नाइज्ड स्पोर्टिंग इवेंट या रिकॉग्नाइज्ड स्पोर्टिंग इवेंट या प्लानिटेरियम, अगर 500 रुपए पर पर्सन की टिकट तक है, इन चारों में दोस्तों, इन चारों में लिमिट लग गई है, इन चारों में लिमिट लग गई है दोस्तों। कितने की? 500 पर पर्सन। अगर सर्कस में गए, एंट्री टिकट 600 रुपए की है, जीएसटी लगेगा। अगर एंट्री टिकट 400 रुपए की है, जीएसटी नहीं लगेगा। समझ में आया? आईपीएल का मैच देखने गए, 500 रुपए की टिकट है, जीएसटी नहीं लगेगा, 500 तक माफ है। 1000 की टिकट ली है, जीएसटी लगेगा, जीएसटी विल बी लिवाइड। आ जाओ भाई, एजुकेशनल सर्विसेज, एजुकेशनल सर्विसेज, आ जाओ भाई। एजुकेशनल सर्विसेज में दोस्तों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कहता है कि व्हेन द सर्विसेज आर प्रोवाइडेड बाय एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, इस चीज का ध्यान रखना, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, इंस्टीट्यूशन, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन स्टूडेंट्स, फैकल्टी एंड स्टाफ को अगर सर्विसेज दे रही है, फॉर विच एन अमाउंट इज चार्ज एग्जेम्प्ट, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बाय वे ऑफ कंडक्ट ऑफ एंट्रेंस एग्जामिनेशंस अगेंस्ट कंसिडरेशन। जैसे कि आप इंस्टीट्यूट को फीस देते हो, आप लोगों ने सब ने सीए फाउंडेशन की फीस दी थी, एग्जामिनेशन फीस, क्या वो माफ है? हाँ जी माफ है, बाय वर्च्यू ऑफ एंट्री नंबर 66AA। क्या आपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन अपने आईसीआई को रजिस्ट्रेशन फीस दी थी? हाँ दी थी, वो माफ है बाय वर्च्यू ऑफ एंट्री नंबर 66A। एग्जामिनेशन फीस एंट्री नंबर 66AA की वजह से माफ है और जो रजिस्ट्रेशन फीस है वो एंट्री नंबर 66A की वजह से माफ है। ऐसे ही दोस्तों, इसीलिए उस पे जीएसटी नहीं दिया, नहीं दिया की बात नहीं है, नहीं लगा, लगता तो देना भी पड़ता ना बेटा, ऐसा थोड़ा ना हमारी मर्जी हम देंगे नहीं देंगे, ऐसा नहीं। हाँ वही। हाँ जी गाइस, एंट्री नंबर 66B बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एंट्री नंबर 66B बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
वेयर द सर्विसेज आर प्रोवाइडेड टू एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन. देखो, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हर सर्विसेज खुद दे पाए ऐसा जरूरी नहीं, लेकिन क्या वो कुछ सर्विसेज अवेल कर सकती है, अवेल कर सकती है इन ऑर्डर टू प्रोवाइड सर्विसेज? द आंसर इज यस, दे कैन अवेल इन ऑर्डर टू प्रोवाइड सर्विसेज. एवरीबडी क्लियर अबाउट इट? एवरीबडी क्लियर अबाउट इट? ऑल राइट, इधर ध्यान से देखेंगे, इधर ध्यान से देखेंगे. तो एजुकेशनल एजुकेशनल सर्विसेज में, एजुकेशनल सर्विसेज में when the services are provided to educational institution, when the services are provided to educational institution, तो उसे दो कैटेगरी में बांटेंगे, schools, colleges. Schools मतलब 12वीं क्लास तक और colleges मतलब हायर एजुकेशन. दोस्तों तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्टूडेंट्स एंड फैकल्टी एंड स्टाफ स्कूल के लिए, स्कूल के लिए एग्जेम्प्ट है, कॉलेज के लिए टैक्सेबल. केटरिंग इंक्लूडिंग एनी मिड डे मील स्कूल के लिए एग्जेम्प्ट है, इनके लिए टैक्सेबल. सिक्योरिटी और क्लीनिंग और हाउसकीपिंग सर्विसेज स्कूल के लिए एग्जेम्प्ट है, इधर टैक्सेबल. सर्विसेज रिलेशन टू एडमिशन टू कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन, ये दोनों के लिए एग्जेम्प्ट है. और लास्ट, सप्लाई ऑफ ऑनलाइन जर्नल्स पब्लिकेशन, ये स्कूल के लिए टैक्सेबल, इधर एग्जेम्प्ट. ये चार्ट याद रख लो, गांठ बांध लो, ये इतना इंपॉर्टेंट चार्ट है. बार बार पूछते हैं, पता नहीं क्या प्यार है, और इसी वाले पॉइंट में से पूछते हैं जो अभी पढ़ाया है मैंने. अब सर बात ये आती है कि हमने अनअकैडमी में फीस दी, वो भी तो सर एजुकेशनल सर्विसेज हैं. माना आप एजुकेशनल सर्विसेज के साथ नौटंकी सर्विसेज भी देते. अरे ओ, नौटंकी नहीं करूंगा ना तो ध्यान भी नहीं दोगे, मेरे तरफ आओगे भी नहीं, क्लास में भी नहीं आओगे. अब देखो जो बात सही है राठी जी, हमने बोल दी, अब आपके साथ तो हम इतने खुल गए हैं, दिमाग खोलो, थोड़ा दिमाग चलाओ, उल्टी पुल्टी बातों में दिमाग. हाँ जी गाइस, तो लव गुरु सर्विसेज भी कभी कभी. वाह खुशी बेटा वाह, कौन देता है? मैं तो नहीं देता लव गुरु सर्विसेज. कौन देता है लव गुरु सर्विसेज? हम भी जाए उन टीचर की क्लास में. कुन्नू सर ओके. तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, ये वाला टेबल, ये वाली टेबल आप लोगों को ध्यान रखनी होगी. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टेबल दैट यू एंड आई विल हैव टू कीप इन माइंड. ओके गाइस, ये टेबल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. अब बात हुआ आ रही थी अनअकैडमी वाली, क्या माफ है या नहीं? अनअकैडमी दोस्तों एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की कैटेगरी में नहीं आता. सो द सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय अनअकैडमी इज अ प्राइवेट, प्राइवेट क्लासेस, प्राइवेट सर्विसेज. जो तो क्या उस पर जीएसटी लगता है? हाँ सर, हमारे इनवॉइस पे तो जीएसटी लगा भी है. तो दोस्तों एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन मीन्स एन इंस्टीट्यूशन प्रोवाइडिंग सर्विसेज बाय वे ऑफ प्री स्कूल एग्जामिनेशन एंड अप टू हायर सेकेंडरी स्कूल, मतलब 12वीं क्लास तक. एजुकेशन एज अ पार्ट ऑफ करिकुलम फॉर ऑब्टेनिंग अ क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय एनी लॉ, मतलब डिग्री विग्री, कॉलेज यूनिवर्सिटीज या अप्रूव्ड वोकेशनल एजुकेशनल कोर्स में अगर आपने पार्ट लिया है. तो दोस्तों अगर आपको कंडक्ट ऑफ डिग्री कोर्सेज बाय एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है, क्या ये क्लॉज ए कवर्ड इन सब क्लॉज टू? The answer is yes, it will be considered to be an educational institution. Private coaching center, Unacademy यहाँ पर आती है. Private coaching center दोस्तों, it's a private coaching center. क्या ये educational institution में आती है? The answer is no, GST लगेगा. या फिर दोस्तों educational as a part of prescribed curriculum for obtaining a qualification recognized by a foreign country. क्या ये आता है? क्या ये आता है दोस्तों? नहीं, इंडियन होना चाहिए, इंडियन. कॉम्पोजिट एंड मिक्स सप्लाई दोस्तों बोर्डिंग स्कूल्स का एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल है. अच्छा मुझे ये बताओ, बोर्डिंग स्कूल्स में मम्मी पापा क्यों भेजते हैं? क्योंकि वहां खाना अच्छा मिलता है वहां? अच्छा, घर पे सोने की जगह नहीं थी, घर छोटा था, चल तू बोर्डिंग स्कूल चले जा, वहां बिस्तर अलग से मिलेगा. हाँ जी दोस्तों, क्या इसलिए? द आंसर इज नो. वहां पर बेसिकली आपको एजुकेशन के लिए भेजा गया है. तो अब कॉम्पोजिट बोर्डिंग स्कूल्स में दोस्तों आप लोगों को पता है
इट्स अ बंडल ऑफ सर्विसेज प्रोवाइडेड टुगेदर, बंडल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइडेड टुगेदर। अगर सिंगल प्राइस चार्ज होती है, अगर सिंगल प्राइस चार्ज होती है तो माना जाएगा इट इज अ कॉम्पोजिट सप्लाई वेयर द प्रीडोमिनेंट एलिमेंट इज ऑफकोर्स एजुकेशन। Predominant element, the principal supply is education, and therefore it shall be exempt. लेकिन अगर अलग अलग prices हैं या dual courses हैं दोस्तों, तो वो mixed supply की category में आ जाएगा। मतलब अगर अलग अलग prices हैं हर चीज की, तो फिर उसी हिसाब से चलेगा, depending upon कि क्या वो taxable हैं या exempt हैं। लेकिन अगर dual course है दोस्तों, दो course provide किए गए हैं, then the highest rate of GST will be applied, considering that to be mixed supply. आ जाओ भाई, कॉलेज हॉस्टल, इससे भी दोस्तों पहले एक बार क्वेश्चन आ चुका है, आगे भी आ सकता है। कॉलेज हॉस्टल मेस सर्विस, कॉलेज हॉस्टल मेस सर्विस, ये क्या पॉइंट है सर? दोस्तों अगर कॉलेज का, मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर कॉलेज का खुद का मेस है, कॉलेज का अंदर ही मेस बना हुआ है, वहां पे लोग रहते भी हैं, कॉलेज का खुद का मेस बना हुआ है। अब आप लोग मुझे ये बताओ दोस्तों, अगर कॉलेज का खुद का मेस है तो और वो स्टूडेंट्स को खाना प्रोवाइड करते हैं फॉर अ कंसिडरेशन फॉर सम चार्जेस, क्या उस पर जीएसटी लगेगा? विल जीएसटी बी लिवाइड ऑन दैट? द आंसर इज नो, क्योंकि दोस्तों ये कौन सी कैटेगरी में आ जाएगा? Services provided by educational institution. यहीं पर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। Services provided by educational institution. अगर services educational institution दे रहा है अपने बच्चों को, तो ध्यान रखना कभी जीएसटी नहीं है। अगर उन्होंने services ली in order to provide you services, मतलब third party involvement हुआ, थर्ड पार्टी से आउटसोर्स किया गया, करेक्ट, आउटसोर्स किया गया, तो क्या वो कॉलेज के लिए टैक्सेबल हो जाएगा? यस। और क्या वो स्कूल के लिए टैक्सेबल होगा? क्या वो स्कूल के लिए टैक्सेबल होगा? द आंसर इज नो, क्योंकि वो यहां पर कवर हो गया, ये वाला देखो, केटरिंग वाला ये वाला पॉइंट दोस्तों। तो कॉलेज के लिए टैक्सेबल, स्कूल के लिए माफ। समझ में आया? आ जाओ भाई, सर्विसेज बाय एन अनइनकॉर्पोरेटेड बॉडी दोस्तों, और अ नॉट फॉर प्रॉफिट एंटिटी। ये क्या बोलता है दोस्तों? कि कोई भी, जैसे कि दोस्तों एक ऑर्गेनाइजेशन होता है दोस्तों, मैं जिस सोसाइटी में रहता हूं दोस्तों, क्या ये लोग मेंटेनेंस चार्जेस लेते हैं? The answer is yes, they do take maintenance charges. और अगर maintenance charges 7,500 रुपए per month per member, हाँ जी guys, वहां तक है तो no GST, 7,500 से ज्यादा है then GST shall be levied, GST लगाया जाएगा। Statutory dues such as property taxes, electricity charge, forming part of monthly maintenance bill raised by the society on its members would be excluded while computing the aforesaid limit. उसे हटा देना, ठीक है जी। आ जाओ भाई, healthcare services, services by way of veterinary clinic in relation to healthcare of animals or birds. जानवरों के डॉक्टर के पास गए, हमारे पास दोस्तों घर में एक डॉग है जिसका नाम लियो है, कभी बीमार पड़ जाता है तो दोस्तों जानवरों के डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं, वो उसको इंजेक्शन देते हैं, दवाई देते हैं दोस्तों, तो क्या जीएसटी लगेगा? द आंसर इज नो, no GST will not be levied. Services by cord blood banks by preservation of stem cells. ये जनरली होता है एट द टाइम ऑफ बर्थ ऑफ अ चाइल्ड। हमने मायरा के केस में करवाया दोस्तों, स्टेम सेल्स आर वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग, जो बच्चे को मां से कनेक्ट करते हैं, वो वाले उस कॉर्ड को बोलते हैं, एम्बिलिकल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड। भगवान कसम भूपेश,
स्पाइनल कॉर्ड ये वाली होती है पीछे वाली, हाँ जी एम्बिलिकल कॉर्ड बोलते हैं। हाँ जी दोस्तों, बच्चा पीछे था, अरे सर बच्चे के घूमने का मन निकला, वो निकल गया पीछे की तरफ। हाँ जी भूपेश भाई, अच्छा है भाई तू डॉक्टर नहीं है या डॉक्टर की पढ़ाई नहीं कर रहा, जिससे पढ़ रहा होता वो डॉक्टर वो टीचर को तो मार डालते, और उसके बाद पेशेंट की जो हालत होती है वो तो नेक्स्ट लेवल। नेक्स्ट नेक्स्ट दोस्तों, हेल्थ केयर सर्विसेज बाय क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट और एन ऑथराइज मेडिकल प्रैक्टिशनर और पैरामेडिक्स या एम्बुलेंस की सर्विसेज, चाहे हॉस्पिटल जाने के लिए हो, हॉस्पिटल से शमशान घाट जाने के लिए हो, घर से हॉस्पिटल जाने के लिए हो, हॉस्पिटल से घर आने के लिए हो, किसी भी चीज के लिए हो दोस्तों, एम्बुलेंस की सर्विसेज माफ है। हेल्थ केयर सर्विसेज दोस्तों, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वाला है दोस्तों, ये वाला पॉइंट। हेल्थ केयर सर्विसेज इट शुड बी फ्रॉम एनी रिकग्नाइज सिस्टम ऑफ मेडिसिन, इलनेस, इंजरी, डिफॉर्मिटी, अबनॉर्मेलिटी ऑफ प्रेगनेंसी और प्रेगनेंसी इन रिलेशन इन एनी रिकग्नाइज सिस्टम ऑफ मेडिसिन, इंक्लूड्स ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द पेशेंट टू और फ्रॉम अ क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट बट डज नॉट इंक्लूड हेयर ट्रांसप्लांट। हेयर ट्रांसप्लांट दोस्तों, अब हमारा दोस्त भोपू, शादी पक्की नहीं हो रही थी, लड़की आके भोपू से पूछते अंकल जी बेटे को ले आइए, अरे बेटा कह रहा अरे मेरी ही शादी की बात हो रही है। हाँ जी दोस्तों, तो कह रहे अंकल जी माफ करिए, अरे अंकल जी क्यों बोल रहे हो, नहीं, जब जब तक दोस्तों जब तक समझ पाते भोपू भाई, जब तक लड़की और परिवार वाले सब गायब, समोसा लड्डू वड्डू खाने के बाद, तो भाई की शादी नहीं पक्की हो रही, 35-36 साल की उम्र हो गई, भाई ने कहा अब शादी करनी है शादी करनी है, घर वालों ने कहा भाई तेरे को देखकर कोई शादी नहीं करता है, तो उसने हेयर ट्रांसप्लांट करवाया, उसने हेयर ट्रांसप्लांट करवाया, और हेयर ट्रांसप्लांट करने के बाद वो स्मार्ट दिखने लगा, फॉर अ चेंज स्मार्ट दिखने लगा दोस्तों, और लड़कियां अब उसे पसंद करने लगी, मतलब शादी के लिए हाँ बोलने लगी, मतलब ऑफकोर्स एक लड़की ने हाँ बोल भी दिया, उसके आंख में दिक्कत थी, लड़की के आंख में दिक्कत थी, वो बात भी हमें नजरअंदाज नहीं करनी चाहिए। तो दोस्तों क्या जो हेयर ट्रांसप्लांट करवाया, कॉस्मेटिक सर्जरी करवाई या प्लास्टिक सर्जरी करवाई सुंदर दिखने के लिए, क्या उस पर जीएसटी है, क्या उस पर जीएसटी है? द आंसर इज यस, उस पर जीएसटी है। लेकिन खुदा ना खास्ता मिस्टर एक्स हैं, उनका एक्सीडेंट हो गया और एक्सीडेंट में चेहरे पर चोट आ गई, तो प्लास्टिक सर्जरी करी गई, तो क्या उस पर जीएसटी है? नहीं, उस पर जीएसटी नहीं है। अगर चोट लग जाए, कोई एक्सीडेंट हो जाए, तो उस पर जीएसटी नहीं। रिकॉग्नाइज सिस्टम ऑफ मेडिसिन में क्या आता है? एलोपैथी, योगा, नेचुरोपैथी, आयुर्वेदा, होम्योपैथी, सीधा उनानी और एनी अदर सिस्टम ऑफ मेडिसिन दैट मे बी रिकॉग्नाइज्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। डायग्नोस्टिक और इन्वेस्टिगेटिव सर्विसेज दोस्तों, कई बार हम बीमार हो जाते हैं, डॉक्टर को बोलते हैं फीवर आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है, दवाई लेते हैं कम हो जाता है, रात को बढ़ जाता है, होता है कि नहीं? 3-4 दिन की वो दवाई देते हैं, उसके बाद भी आपको लगता है नहीं, डॉक्टर साहब फीवर जा नहीं रहा है, तो कहते हैं ठीक है मैं एक बार देख लेता हूँ, मलेरिया का टेस्ट करा लेता हूँ, टाइफाइड का टेस्ट करा लेता हूँ, तो ब्लड टेस्ट होता है, तो ब्लड टेस्ट क्या फ्री में होता है? मतलब पार्वती से खून लिया, अब पार्वती से कह रहे हैं जाके 1,000 रुपए जमा करा दीजिए, वो पार्वती कह रही है एक तो मेरा खून लिया, मतलब मैंने तुम्हें खून दिया, तुम्हें पैसे देने चाहिए, मैंने तुम्हें खून दिया। पार्वती बड़े मजाक किया है दोस्तों। तो इन दैट केस क्या हमें जीएसटी, हमें पैसा देना पड़ेगा? यस, पैसा देना पड़ेगा दोस्तों। क्या उस पर जीएसटी है? द आंसर इज नो। पैरामेडिक्स, पैरामेडिक्स होता है असिस्टेंट स्टाफ, नर्सिंग स्टाफ, फिजियोथेरेपिस्ट, टेक्नीशियंस, लैब असिस्टेंट्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। कहते हैं क्या पैरामेडिक्स इन्हें अलाउड है? क्या इन्हें इनकी सर्विसेज पर जीएसटी है? द आंसर इज नो। ये भी दोस्तों क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट, ये भी दोस्तों हेल्थ केयर सर्विसेज में ही आते हैं, इन पर जीएसटी नहीं है। रेंट ऑफ रूम्स प्रोवाइडेड टू इन पेशेंट्स, एडमिटेड पेशेंट्स इज एग्जेम्प्ट नो मैटर व्हाट द अमाउंट ऑफ रेंट इज। एक दिन का रेंट 2,000 हो या 20,000 हो, जीएसटी नहीं लगेगा। ऑल राइट, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय सीनियर डॉक्टर कंसल्टेंट टेक्नीशियंस। दोस्तों कोई सीनियर डॉक्टर को बुलाया जाता है इन ऑर्डर टू टेक अ बिग डिसीजन बिफोर अ मेजर सर्जरी। लेट्स से हमारा दोस्त है टी टू का दोस्तों नी ट्रांसप्लांट सर्जरी होना चाहिए था, नी ट्रांसप्लांट सर्जरी होना था,
अब कोई भी बड़ी सर्जरी होती है दोस्तों, तो क्या उससे पहले मेडिकल टेस्ट वगैरह कराए जाते हैं इन ऑर्डर टू मेक श्योर कि बाकी बॉडी इज तैयार टू गो थ्रू अ सर्जरी? द आंसर इज यस। पता चला कि जो हार्ट बीट है उसमें अप्स एंड डाउन हो रहे हैं ज्यादा, ईसीजी वगैरह भी करवाया तो अप्स एंड डाउन हो रहे हैं, तो हार्ट स्पेशलिस्ट को बुलाया। अब क्या घुटने के डॉक्टर को बोलेंगे भाई पैर खोल रहा है, अगर दिल में कोई दिक्कत हुई तो संभाल लेगा ना बीच में? अरे कह रहे मजाक कर रहा है क्या, पैर खोला दिल में कोई दिक्कत हुई तो संभाल लेगा? तो क्या दोस्तों सीनियर हार्ट स्पेशलिस्ट को बुलाया जाएगा इन ऑर्डर टू चेक? हाँ जी, लेकिन सीनियर हार्ट स्पेशलिस्ट क्या सामने बैठा टपरी पर चाय पी रहा है जो उसे कभी भी घंटी दो बुलाकर बुला लो, टिंग टांग आजा आजा भाई तेरी जरूरत पड़ी है, ईसीजी ठीक नहीं निकला? अरे कह रहे हैं रुक जा मठरी जन्म करने दे। क्या दोस्तों ऐसा हो सकता है? नहीं। क्या उनको पैसे दिए जाते हैं? द आंसर इज यस। अमाउंट चार्ज बाय हॉस्पिटल फ्रॉम पेशेंट्स, दोस्तों अगर कोई भी अमाउंट चार्ज किया गया है बाय द हॉस्पिटल फ्रॉम द पेशेंट्स इन रिलेशन टू, इस चीज का ध्यान रखना, इन रिलेशन टू, किस रिलेशन में दिया गया है दोस्तों, किस चीज के लिए दिया गया है? दिया गया है दोस्तों फॉर 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 दोस्तों व्हाट डू आई से, मेडिकल थिंग्स, इलाज के लिए, देन इट विल बी एग्जेम्प्ट, इट विल बी एग्जेम्प्ट। आ जाओ भाई नेक्स्ट। फूड सप्लाइड टू द पेशेंट्स, दोस्तों ओन सोर्सेस, जो पेशेंट्स एडमिटेड है उन्हें खाना प्रोवाइड करो, जीएसटी नहीं लगेगा। द पेशेंट्स हु आर नॉट एडमिटेड या उनके परिवार वालों को, अटेंडेंट्स को अगर कुछ खाना दिया गया जीएसटी लगेगा। आउटसोर्स किया गया, खाना बाहर से आया है, तो थर्ड पार्टी, मेरी बात ध्यान रखना, थर्ड पार्टी क्या हॉस्पिटल से जीएसटी चार्ज करेगी? द आंसर इज यस। क्या दोस्तों आप लोगों को हॉस्पिटल में ऐसे बोला जाता है, अच्छा मेन्यू कार्ड भेजा गया आपका, आप एडमिटेड है यहाँ से दोस्तों, ड्रिप चल रही है, अरे पनीर टिक्का मसाला, अफगानी चाप, रुमाली रोटी, पाइनएप्पल रायता भी मंगा दो, ये थोड़ा मिर्ची वाला हो जाएगा, पाइनएप्पल रायते से ठीक हो जाएगा, उसके बाद दो लच्छा पराठा, एक गार्लिक नान और एक जीरा पुलाव। ओए होए, आधे लोग जो बगल में मतलब ऑलमोस्ट डेथ बेड पर थे कान खड़े हो गए, क्या है खाना खाकर ही मरेंगे? हाँ जी दोस्तों, क्या आप लोगों के साथ ऐसा होता है? मतलब क्या कभी भी हॉस्पिटल में ऐसा होता है? नहीं दोस्तों, खाना प्रोवाइड किया जाता है, खाना प्रोवाइड किया जाता है बाय द हॉस्पिटल डिपेंडिंग अपॉन कि किस बीमारी का इलाज चल रहा है। तो दोस्तों जो एडमिटेड पेशेंट्स को खाना दिया गया बाय द हॉस्पिटल मेस, उस पर जीएसटी नहीं है। अच्छा दोस्तों, ये जो बाहर से खाना लेकर आते हैं, क्या बाहर से खाना लेकर आते हैं और आपके सामने खाना रख दिया, अब आपने खाना चालू किया, आपके हाथ दुख रहा था, उन्होंने हाथ पकड़ लिए, कहते अच्छा आप खाना खिला रहे हैं? कह रहे नहीं हम खाना नहीं खिला रहे, लीजिए हमें पैसा दीजिए, पहले पैसा दीजिए तभी रोटी पर हाथ लगाने देंगे। अरे मेरे पास अभी पैसा कहाँ है? क्या दोस्तों पेशेंट से वहीं पैसा मांगना चालू कर देते हैं? नहीं दोस्तों, तो वो लोग किससे चार्ज करते हैं? हॉस्पिटल से, उस पर जीएसटी लगेगा, इस पर कोई डाउट नहीं है। हॉस्पिटल आपसे चार्ज करता है क्या उस पर जीएसटी लगेगा? इस पर भी कोई डाउट नहीं है कि नहीं, उस पर नहीं लगेगा। हॉस्पिटल जो एडमिटेड पेशेंट है उससे दोस्तों जीएसटी चार्ज नहीं करेगा। जो थर्ड पार्टी है जो हॉस्पिटल को खाना प्रोवाइड कर रही है, क्या उस पर जीएसटी है? द आंसर इज यस। सर्विसेज अदर देन हेल्थ केयर सर्विसेज, हॉस्पिटल का दोस्तों एक ऑडिटोरियम है, हॉस्पिटल का ऑडिटोरियम है दोस्तों, उस पर दोस्तों रेंट पे दिया गया, हॉस्पिटल की कुछ शॉप्स हैं केमिस्ट को किराए पे दी गई, हॉस्पिटल ने कोई एडवर्टाइजमेंट बोर्डिंग वगैरह लगवा ली जिसके लिए उन्हें पैसे मिले। क्या दोस्तों जीएसटी है या नहीं है? क्या दोस्तों जीएसटी है या नहीं है? जीएसटी लगेगा। आ जाओ भाई, पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज, ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर्स विद और विदाउट अकंपनीड बिलोंगिंग्स, विद और विदाउट अकंपनीड बिलोंगिंग्स, चाहे आपके पास सामान हो या आप कुली की तरह सामान लेकर, मतलब चाहे सामान ना हो या सिर पर आपने 3 अटैचियां ढा रखी हो दोस्तों, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप भाई हवाई जहाज ट्रेवल कर रहे हो, एम्बार्किंग और टर्मिनेटिंग, एम्बार्किंग मतलब से कह रहे हैं, बार्किंग का मतलब तो पता है, भौ भौ ओ भौ भौ, एम्बार्किंग मतलब दोस्तों स्टार्टिंग,
स्टार्टिंग हवाई जहाज जहां से उड़ रहा है, और टर्मिनेटिंग मतलब जहां खत्म हो रहा है, या तो आपका स्टार्टिंग पॉइंट या एंडिंग पॉइंट इज इन एन एयरपोर्ट लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड और बागडोगरा लोकेटेड इन वेस्ट बंगाल। बागडोगरा लोकेटेड इन वेस्ट बंगाल। तो इन दैट केस गाइस माफ है। क्लियर। नॉन एसी कॉन्ट्रैक्ट कैरिज दोस्तों, अदर देन रेडियो टैक्सीज, नॉन एसी दोस्तों बसेस, स्टेज कैरिज, स्टेट गवर्नमेंट की बसेस जो कि अदर देन एसी वाली हैं। मतलब देखो, अदर देन एसी में ही जनरल पब्लिक आप और मेरे जैसे चलता है। अब जुनैद भाई अमीर इंसान ये हर जगह एसी में ही ट्रेवल करते हैं, तो इन दैट केस का जीएसटी लगेगा? द आंसर इज यस। Services provided to the central government by way of transportation of passengers with or without accompanied belongings by air, embarking from or terminating at a regional connectivity scheme airport. So, दोस्तों सबसे पहली चीज ये दोस्तों, services provided to the central government. इसमें आप और मेरे लिए normal बातचीत नहीं है, ये services provided to the central government है। अब होता क्या था, जो भी एयरलाइंस हैं वो किसी भी छोटे शहर में एयरपोर्ट जब बनाया सरकार ने, तो वहां जाने से कतराती थी। तो सरकार ने पूछा, मोदी जी ने पूछा इंडिगो वालों से, स्पाइस जेट वालों से, भाई क्यों नहीं जाते तुम ये छोटे शहर में, हमने एयरपोर्ट बनाया है, वहां भी अपनी फ्लाइट लेकर जाओ। ऐसे ही दोस्तों देश का डेवलपमेंट होगा। कहते हैं देश का डेवलपमेंट अपनी जगह, लेकिन अगर हम वहां पर फ्लाइट लेकर जाते हैं तो फ्लाइट का जितना खर्चा होता है उतना पैसा भी तो आना चाहिए ना, उतना पैसा भी तो आना चाहिए। क्या ये बात सही है? हम पहुंच तो जाएं और वहां पर पूरे प्लेन में 200 सीट्स थी, 50 पैसेंजर्स आके बैठे हैं, तो भी हमें फ्लाइट तो उड़ानी पड़ेगी ना। ऐसा थोड़े ना फ्लाइट के आगे आगे बैठा दिया तो हमने आगे का हिस्सा उड़ा दिया, पीछे का हिस्सा रह गया। खर्चा तो पूरा ही होगा। तो सरकार ने कहा अगर आपकी 200 सीट का चार्टर प्लेन है, अगर आपकी 200 सीट का प्लेन है, तो उसमें कब वाइबल हो जाता है, कब आपके लिए ब्रेक इवन आ जाता है। कहते हैं 150 सीट बढ़ जाएंगी तो ब्रेक इवन हो जाएगा। तो सरकार ने कहा अगर 100 पैसेंजर्स आ जाते हैं और 50 सीट मैं पैसे देने के लिए तैयार हूं, उसे बोलते हैं वायबिलिटी गैप फंडिंग। क्या बोलते हैं? वायबिलिटी गैप फंडिंग। समझ में आया गाइस? इन ऑर्डर टू मेक श्योर दोस्तों सरकार या सॉरी एयरलाइंस का नुकसान ना हो। लेकिन ये कितने साल तक सरकार करेगी वायबिलिटी गैप फंडिंग? 3 साल तक। नेक्स्ट पॉइंट एंट्री नंबर 17, सर्विसेज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स विद और विदाउट अकंपनीड बिलोंगिंग्स by railways in a class other than first AC or air conditioned coach. दोस्तों everybody AC में travel करेंगे GST लगेगा, other than AC no GST. Metro, monorail, tramway में travel करते no GST, inland waterways में travel करते no GST, public transport other than predominantly for tourism purpose in a vessel. दोस्तों अगर आप किसी क्रूज में जाते हैं for family purposes, personal purposes, for tourism purposes, GST लगेगा। लेकिन क्या vessel एक जगह से दूसरी जगह भी जाती है जहां पर normally passengers को transport करा जा रहा है, कोई entertainment purposes नहीं है, हाँ या ना? तो क्या वो दोस्तों exempt हैं? वो exempt है, tourism वाला taxable। मीटर्ड कैब्स और ऑटो रिक्शास एग्जेम्प्ट। अजय भाई, गुड्स ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज दोस्तों, सर्विसेज बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय रोड एक्सेप्ट GTA, गुड्स ट्रांसपोर्टेशन एजेंसी, अ कुरियर एजेंसी। दोस्तों अगर बाय रोड ट्रेवल किया गया है तो माफ है, लेकिन एक्सेप्ट दीज टू मतलब
यहां पर अगर जीटीए की सर्विसेज है तो वो टैक्सेबल है। अपन लोगों ने देखा नहीं था कल जीटीए में आरसीएम एफसीएम याद आ रहा है 5% 12% वो टैक्सेबल है। लेकिन सर जीटीए में ये भी तो पढ़ा था कि 7 स्पेसिफाइड रेसिपिएंट्स हुए तो टैक्सेबल है। अगर 7 स्पेसिफाइड रेसिपिएंट्स के अलावा हुए तो वो एग्जेम्प्ट है। वो आगे लिखा है डू नॉट वरी अबाउट। या फिर इनलैंड वाटरवेज के थ्रू सामान भेजा गया तो माफ है। ये देखो जीटीए को समझाया गया जो कि सामान भेज रहा है एंड इशूइंग अ कंसाइनमेंट नोट। अब दोस्तों इधर देखेंगे ये देखो GTA services also falls under reverse charge mechanism where the service recipient is specified और वो 7 specified recipients आ गए। Therefore, crux, in other words, GTA services provided to only an unregistered individual or consumer are exempt. Also discussed in 21 entry number 21 below जो आगे मिलने वाली है। All right, guys. ये दोस्तों अब एंट्रीज ऐसी हैं ये जो खुद से रीड आउट करनी है। ट्रांसपोर्टेशन बाय रेल और वेसल। अच्छा रेल और वेसल में अब किस चीज का ट्रांसपोर्ट हो रहा है? पहली चीज गुड्स का, सज्जनों का पैसेंजर्स वाला निपट गया है, ठीक है जी। रिलीफ मटेरियल, डिफेंस और मिलिट्री इक्विपमेंट्स, न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, रेलवे इक्विपमेंट्स, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, मिल्क सॉल्ट, फूड ग्रेन, ऑर्गेनिक मैन्योर, माफ। जीटीए मतलब गुड्स जो कि रोड के थ्रू जा रहा है, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, मिल्क, ऑर्गेनिक, ये सब तो सेम है लेकिन ये दो पॉइंट्स इसमें ऐड हो गए। कहते हैं गुड्स वेयर कंसिडरेशन चार्ज फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ अ गुड्स ऑन अ कंसाइनमेंट ट्रांसपोर्टेड इन अ सिंगल कैरेज डज नॉट एक्सीड 1500, भाड़ा 1500 रुपए तक का है। और गुड्स वेयर कंसिडरेशन चार्ज फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑल सच गुड्स फॉर अ सिंगल कंसाइनी कहां तक है 750 रुपए तक का। हाँ जी गाइस क्लियर। ये देखो 21A वो 7 स्पेसिफाइड रेसिपिएंट्स जिन पर आरसीएम वाला पॉइंट था जो अभी पढ़ाया है दोस्तों, 7 स्पेसिफाइड जिन पर आरसीएम लगेगा। कहते हैं सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय अ जीटीए टू एन अनरजिस्टर्ड पर्सन इंक्लूडिंग एन अनरजिस्टर्ड सीटीपी अदर देन मतलब ABCDEF, इन पर क्या दोस्तों जीएसटी लगेगा या नहीं लगेगा? लगेगा। अदर देन मतलब इन पर जीएसटी लगेगा। और 21B याद आ रहा है, आरसीएम शेल नॉट बी एप्लीकेबल ऑन अमेंडमेंट वाला पॉइंट जो था नीचे, डिपार्टमेंट एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, गवर्नमेंट एजेंसी जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करवा रखा है ओनली फॉर द पर्पस ऑफ डिडक्टिंग टैक्स अंडर सेक्शन 51 एंड नॉट फॉर मेकिंग एनी टैक्सेबल सप्लाई, उन पर आरसीएम नहीं लगेगा। क्या एफसीएम लगेगा? एफसीएम को एग्जेम्प्ट कर दिया। आरसीएम लगेगा नहीं, एफसीएम एग्जेम्प्ट है। मतलब क्या पूरा एग्जेम्प्ट हो गया है? एग्जेम्प्ट हो गया है। ऑलराइट गाइस मूविंग ऑन। बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज। अभी कितनी सर्विसेज बची हैं? सर्विसेज बाय गवर्नमेंट भी बची हैं। आधे 20 मिनट का बचा है दोस्तों, 20 मिनट्स खत्म हो जाएगा। गाइस बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज से हम लोग 9:30 पर स्टार्ट करेंगे, 9:30 PM पर। बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज से वी गोना स्टार्ट एट 9:30 PM। अच्छा दोस्तों अब मैं आप लोगों को बता दूं, 9:30 PM पर दोस्तों 9:30 से 9:50 PM हमारा एग्जेम्प्शंस चलेगा, खत्म हो जाएगा दोस्तों चैप्टर नंबर 4। 9:50 से लेकर मैं एक्सपेक्ट करता हूं दोस्तों 11 PM तक हमारा टाइम ऑफ सप्लाई एंड वैल्यू ऑफ सप्लाई दोनों खत्म हो जाना चाहिए।
और 11 से लेकर, 11 से लेकर दोस्तों 11:30 बेयर मिनिमम 12 तक आज खींच लेते हैं दोस्तों, क्योंकि थोड़ा सा हम लोग बिहाइंड द स्केड्यूल चल रहे हैं, थोड़ा सा बिहाइंड द स्केड्यूल चल रहे हैं दोस्तों। आप लोगों का मैं आईटीसी करवाऊंगा, लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं आईटीसी पूरा नहीं हो पाएगा, आईटीसी पूरा नहीं हो पाएगा ये भी बता दूं, क्योंकि 1 घंटे में तो आईटीसी हो नहीं सकता, लेकिन 1 घंटे में आधा हो जाएगा, 1 घंटे में आधा हो जाएगा, जितना हो जाए मैं तो ये कहता हूं, जितना हो जाए मैं तो ये कहता हूं। और कल, कल का दोस्तों 6:30 PM, ये तो टुडे है, टुडे, टुमारो दोस्तों, टुमारो एट 6:30 PM से लेकर 8:30 PM तक हमारा आईटीसी खत्म हो जाएगा, प्लस रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा। और दोस्तों फिर वही 9:30 से लेकर, 9:30 PM से लेकर, एक बार को तो 11:30 PM लिख रहा हूं, 11:30 PM लिख रहा हूं रजिस्ट्रेशन का बचा हुआ पोर्शन, क्योंकि रजिस्ट्रेशन खत्म नहीं हो पाएगा। उसके बाद चैप्टर छोटे वाले हो जाते हैं, इनवॉइस वाला फिर भी बड़ा है, इनवॉइस खत्म करेंगे, पेमेंट ऑफ टैक्स खत्म करेंगे, पेमेंट ऑफ टैक्स खत्म करेंगे, एंड इफ द टाइम परमिट्स, आई डाउट कल रात के 12 बजे तक दोस्तों हम रिटर्न्स तक पहुंच पाए, तो रिटर्न्स मैं 1 तारीख को करा दूंगा, ऐसा नहीं है नहीं कराऊंगा, ऐसा नहीं है नहीं कराऊंगा, रिटर्न्स 1 तारीख को करा दूंगा, 12 घंटे की जगह 14 घंटे में खत्म हो जाएगा, बस बात यह है। 12 घंटे में मेरी कोशिश थी दोस्तों, सीए डे के दिन, बिल्कुल जिनेद, सीए डे के दिन, ऑल राइट गाइस एवरीवन, किसी को कोई भी डाउट हो तो पूछ सकते हो दोस्तों, वो देखो बच्चों ने ढूंढना चालू कर दिया, जिन्हें वो इतने प्रूनिंग ढूंढा, वेरी गुड जुनैद बेटा, वेरी गुड। सीटीपी के बारे में बोलिए सर, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, ओके बोला मैंने, अरे क्या बोलूं मतलब, योगा वाले पॉइंट में रामदेव बाबा जी भी आएंगे, बिल्कुल आएंगे तनवर भाई, मतलब उनके लिए एग्जेम्प्ट हो जाएगा, क्योंकि उनका सोल पर्पस इज एक्सटेंशन ऑफ योगा। क्या होता है सीटीपी, आगे पढ़ने मिलेगा बेटा, आगे पढ़ने मिलेगा, ट्रेडर सेक्शन 10 में आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है बच्चे, 0.5% सीजीएसटी, 0.5% एसजीएसटी ऑफ द टैक्सेबल टर्नओवर, बिल्कुल आ सकता है बेटा अभिनव, और पूछो भाई मन में और भी कोई डाउट हो तो पूछ लो, पूछ लो, पूछ लो, सर ये सीरीज के बाद एक सेशन जीएसटी का डाउट सेशन ले लेना, ले लूंगा जुनैद भाई, जो यूट्यूब पे लेते हैं वैसा वाला ना ले लूंगा, नो प्रॉब्लम, ले लूंगा बेटा, और बताओ अर्चना, जितनी मैंने एंट्रीज करवाई वो सारी इंपॉर्टेंट है, आप अगर इंस्टीट्यूट की बुक में देखोगे ना तो पागल हो जाओगे, इतनी सारी एंट्रीज हैं, मैंने वही वाली एंट्रीज को अपनी बुक में पहले इनकॉर्पोरेट किया है जिसकी एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है, चाहे हेल्थ केयर से जुड़ा हुआ, एजुकेशन से, चैरिटेबल से, एग्रीकल्चरल रिलेटेड, एंटरटेनमेंट रिलेटेड, ये ऑलरेडी बहुत ज्यादा है ऑलरेडी, ठीक है बेटा अर्चना, ऑल राइट गाइस, सर आफ्टर कंप्लीटिंग द रिवीजन हम क्वेश्चन मैट से एक बार करें, सर बिल्कुल करो, जितने जितने क्वेश्चंस हैं करो, निशान भाई कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, नो डाउट अबाउट इट, ओके। जाने से पहले दोस्तों एज ऑलवेज आई टेल ईच एंड एवरी वन ऑफ यू, मेरा कोड RATHI10, एक आधा एंट्री भूल जाना दोस्तों, एक आधा प्रोविजन भूल जाना, कोई टेंशन नहीं, संभाल लूंगा, ये कोड मत भूलना
राठी टेन से दोस्तों अभी दो दिन के लिए फ्लैट 20% डिस्काउंट है, 29th and 30th आज और कल रात तक, कल रात के 12 बजे तक फ्लैट 20% डिस्काउंट है। आप और मैं इसे किसी भी हाल में मिस आउट नहीं कर सकते। राठी 10 के कोड से दोस्तों फ्लैट 20% डिस्काउंट मिलेगा। आप लोग एनरोल कर सकते हैं ऑन अनअकैडमी प्लस एंड आइकॉनिक, प्लस आइकॉनिक दोनों पर फ्लैट 20% डिस्काउंट है। चाहे आप कितने भी महीने का सब्सक्रिप्शन लें, कितने भी महीने का सब्सक्रिप्शन लें, उससे कोई फर्क नहीं कर पड़ता। आइकॉनिक में एडिशनल फीचर्स हैं, आप लोग जानते हैं, जो आपके पॉकेट फ्रेंडली हो आप एनरोल कर सकते हैं, अपने दोस्तों को एनरोल कर सकते हैं। अगर आपको मजा आता है राठी सर के साथ तो जस्ट राठी सर का कोड शेयर कर सकते हैं और आप लोग मेरा कोड यूज करवा के मेरी मेहनत को एक्नॉलेज कर सकते हैं। विशिंग यू गाइज ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। सी यू ऑन द साइड एट 9:30। बाय बाय एंड टेक केयर।